बस मैं आपका चेक कर लूं कि लाइट जा गया। रही है। हाँ, आपको लाइट जा रहे हैं, उसको शेयर कर दूं। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम उमैर सलाम। मलिक आपसे मुखातिब हैं और आज हमारे साथ हैं यासिर वहीद भाई। अच्छा, हम जो सेशन आज करना जा रहे हैं ये सेशन बेसिकली है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। अच्छा, अब पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की मुझे लगता है ज़रूरत है मुझ समेत हम सब लोगों को, और उसके लिए कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट बंदा हमें चाहिए जो कंपनीज में चीज़ों को मैनेज करते हैं और सब चीज़ों को फाइनेंशियली। तो यासिर भाई, पहले अगर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हम सब जान लें कि जो है वो आप इस पर्टिकुलर एरिया में कब से काम कर रहे हैं और क्या क्या आपकी एक्सपर्टीज है। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम जी वालेकुम यासिर आपको, भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम, और वालेकुम सलाम। आपको भी। और उमेर भाई, सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इसमें। और आई थिंक ये बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी कि ख़ास तौर पे अब जिस तरह के हालात हैं उसके अंदर लोग जिस तरह परेशान हैं, तो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई इस तरह की सपोर्ट मिल जाती है जब कुछ वो पॉजिटिव बातें सुन लेते हैं। तो आई रियली सही अप्रिशिएट आपका जो एफर्ट्स हैं इसके लिए। तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा ही है कि मैं कोई तकरीबन 20 साल से फाइनेंस की फील्ड में हूँ, और मुख्तलिफ ठीक है। कंपनीज में मैं रह चुका हूँ जिसमें मल्टीनेशनल्स का ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। और करंटली भी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर की पोजीशन पे हूँ, प्लांट फाइनेंस देखता हूँ। तो इसके अलावा साथ सही साथ जो है सॉर्ट ऑफ पैशन था मेरा कि जो है ना ट्रेनिंग और कोचिंग, और क्योंकि मेरे पास लोग एडवाइस के लिए भी आते थे तो वहाँ से मैंने ये थोड़ा सा पैशन लिया अपना के ट्रेनिंग की साइड का, कोचिंग की साइड का। तो उसी में, क्योंकि ज़ाहिर बैकग्राउंड फाइनेंस की थी, तो सही लोग इस तरह भी आते थे कि फाइनेंस के एडवाइस लेने आते थे। तो मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा हुआ कि शायद हम एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल हम बहुत ज़्यादा कंपनीज की फाइनेंस और दूसरी चीज़ें तो बहुत देख लेते हैं, और कंपनी के बजट्स वगैरह भी देख लेते हैं, लेकिन शायद जो एक इंडिविजुअल आदमी की लाइफ में फाइनेंस का रोल है, या वही जो चीज़ें जो हम पढ़ते हैं उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कमी महसूस होती। तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू सही से सोचते हुए फिर आपसे भी ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक बना, तो मुझे ये थोड़ा सा हुआ कि इस पर भी वर्क करना चाहिए। तो मैंने आपकी भी वीडियोज़ सही देखी, फिर मैंने उसके अलावा जो है वो हम कुछ तो अपने अनाड़ी उसके हैं, लिए हम भी तो की। अनाड़ी हैं। असल में बस बात ये है उमर भाई कि अनाड़ी और उसका तो मसला नहीं है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला किसी के दिल में किसी की एक बात भी डाल दे और उससे उसको फायदा हो जाए, तो आई बेशक थिंक ये सारी मेहनत जो है वसूल हो जाती। तो बस इसी सोच से जो है, बेशक जो अपनी स्टडी की, जो रिसर्च की, जो थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसी से अंदाजा हुआ कि ये कैसी चीज है, कि क्योंकि जब अपनी लाइफ पे रख के भी देखा तो अंदाजा हुआ कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो खुद भी फॉलो नहीं कर पा रहा था मैं। तो जब इस तरह से इसको एक फॉर्मलाइज्ड वे सही में देखा तो अंदाजा हुआ कि ये वाकई अगर मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ तो दूसरे भी यकीनन इससे कोई ना कोई फायदा उठा सकेंगे। तो बस ये अप्रोच थी, और इसी बैकग्राउंड से फिर ये वाला काम भी साथ साथ स्टार्ट कर दिया। सही। अच्छा जनाब, तो जरा हमें सादा अल्फाज में तो समझाएं कि ये पर्सनल फाइनेंस या ये चीज होती क्या है। ये असल में बिल्कुल हम लोग अकाउंटिंग तो सुना था, थोड़ी बहुत पढ़ी भी थी अपनी कॉलेज लाइफ में, और ये भी पता था कि कंपनीज में तो अकाउंटिंग होती है बहुत ज़्यादा। हम तो घर पे नहीं करते अकाउंटिंग, तो अब हम लोग कैसे अपनी हाँ चीज़ों को बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, या ये खास तौर पे तो ये हालात आ गए हैं, इन हालात में अब क्या करें। हर बंदा परेशान है कि वो अपने पैसों को और अपने माली हालात को कैसे मैनेज करे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाकई हालात ऐसे आ गए हैं कि इस वक्त हर आदमी जो है वो किसी ना किसी परेशानी में है, चाहे वो जॉब की परेशानी है, चाहे आगे के फाइनेंसेस मैनेज करने की परेशानी है। और ज़्यादा जो चांस है वो जो है वो लोग ज़्यादातर जो परेशान हो रहे हैं वो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि आगे हम कैसे मैनेज करें। मैं आपका भी कल लाइव स्ट्रीम देख रहा था वजीब भाई के साथ, उसमें भी बड़ी कई इंपॉर्टेंट बातें थी। तो हम सॉर्ट ऑफ वही साइकोलॉजिकल बेस बनाते हुए मैं आपको थोड़ा सा उससे लेके चलूंगा पर्सनल फाइनेंस के थ्रू। जी जी बताएं। तो उमर भाई, इस तरह से है कि हम जिस वक्त मैंने भी ये पढ़ा और ये अंदाज़ा किया कि अनफॉर्चुनेटली हम कंपनीज में तो जैसे बजटिंग वगैरह करते हैं, तो हमने कभी इस तरह से अपनी लाइफ में या अपनी जो भी सही इनकम्स है इसको कभी भी हमने प्लान आउट नहीं किया। जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट नज़र आता था कि जो है ना हमारा प्लान आउट हम कभी करते नहीं अपने आप को। जी अच्छा,
जहाँ ये कोविड के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो मैं क्योंकि जाहिर आप लोगों की फ्रेटर्निटी को मैं कई पार्ट समझता हूँ अपने आप को, तो हमारे काम है पॉजिटिविटी भी देना, तो मुझे इससे कई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी नज़र आते हैं, जिसमें मैं सबको यही कहता हूँ कि सबसे पहला जो मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आया वो यही है कि हर आदमी को ये इस वक्त समझ आ गया होगा घर में बैठे हुए कि उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है क्या। हम जिस वक्त नॉर्मल रूटीन में होते हैं तो हम बिल्कुल भी अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लान आउट नहीं करते, और अक्सर लोग खासतौर पे जो सैलरीड लोग हैं वो, क्योंकि मैं खुद सैलरीड हूँ तो मुझे अंदाजा है कि हम समझे हैंड टू माउथ ही रहते हैं कि भाई जितनी सैलरी आई वो पूरी की पूरी खर्च कर दी हमने। बिल्कुल तो उसके पीछे लॉजिक सही यही है कि हम अपनी एक तो जो भी इनकम स्ट्रीम है उसको मैनेज नहीं करते, उसको प्लान आउट नहीं करते कि हमने करना क्या है उसके साथ, और फिर हम जब प्लान आउट नहीं करते तो हम एक्सपेंडिचर जो है अपना वो भी जो है उसको बाइफरकेट नहीं करते कि कौन सा मेरा नेसेसरी एक्सपेंडिचर है और कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको मैं या तो रोक सकता हूँ या डिफर कर सकता हूँ। तो ये जो मैंने ठीक है जो बुक्स पढ़ी इसके ऊपर या मैंने जो लोगों से मिला रिसर्च की थोड़ी बहुत, तो उस वो साइकोलॉजी इसी चीज के ऊपर वर्क करती है, और वो आपके क्या पर्सनल फाइनेंस को इस तरह से लेके चलती है कि सबसे पहले वो समझाती है कि आपकी बेस है क्या, यानी मनी आपकी बेस है जो आपको चाहिए, उसके बाद उसकी अर्निंग है तो सही उसकी ठीक अर्निंग के ऊपर आप कैसे वर्क करेंगे। अच्छा, जब अर्निंग हो जाएगी तो फिर जाहिर है है उसको आप खर्च करेंगे, तो स्पेंडिंग कैसे करेंगे, जब स्पेंडिंग कर लेंगे तो स्पेंडिंग सही किस फॉर्म में होनी चाहिए कि उस स्पेंडिंग को आप कारामत बना सकें, सिर्फ ये नहीं कि उस खर्चा, लेकिन उसको स्पेंडिंग को कैसे कारामत बनाएंगे। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं फिर शुरू सही से उसी तरह से चलता हूँ कि जिस फॉर्म में ये चलता है, फिर हम आप आप अपने शुरू से चलें। डिस्कशन मैं पे इसको कोशिश जाएंगे। करता हूँ कि अगर मैं स्क्रीन पर आपकी बातों को थोड़ा बहुत नोट भी कर सका, तो जो जरूर लोग हमारे साथ हैं अगर ये एक्सपीरियंस हमारे करके देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा लोगों को जो है कैसा ना रहता है। हाँ जरूर, महसूस होगा, तो कैसा रहता है। अगर ये ज़्यादा अच्छा है तो आइंदा फिर हम सेशंस में यही करते रहेंगे, साथ साथ नोट एग्जैक्टली। टेकिंग भी, है अगर ना, कोई कोई ऐसा नोटिंग। कमेंट जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से कोई जी देता जी है क्वेश्चन कि वालों उसको से अभी नहीं जरूरत करना, है जी, और अगर जरूरत समझेंगे अभी तो कुछ। हम इन द एंड कमेंट वगैरह में भी डाल देंगे ये सारी बातें जो हम करेंगे। जी, तो अच्छा, अभी तो जैसे फिलहाल मैं तो बात कर रहा हूँ जी हेलो हाय जरूर। थे, बोला हाँ जी, अभी अभी फिलहाल हेलो तो आए। हेलो हाय की कर। हाँ, जो लोग मुझे सलाम कह रहे हैं मेरे जानने वाले उनको वालेकुम सलाम और जो नहीं जानते उनको भी सलाम तो अच्छा मैं स्टार्ट लेता हूँ उसके ऊपर। तो मेरे भाई, मैंने जैसे बात की ना कि सबसे पहली बेस इस सारी पर्सनल फाइनेंस की क्या चीज़ है, वो तो मनी है, यानी पैसा है आपका ना। तो पैसे को पहले तो समझने की जरूरत है कि पैसा है क्या चीज़ और ये आएगा कैसे। अब जब हम पैसे की बात करते हैं तो डेफिनेटली पैसा आप किसी ना किसी पे से जनरेट करते हैं उसको, ठीक है, या तो आप किसी को अपनी सर्विसेज देंगे जो आप काम करेंगे उसके अगेंस्ट पैसा ठीक है आएगा, या आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो या उसके अगेंस्ट आएगा, एग्जैक्टली आपके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट पैसा आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये अब ये समझने की जरूरत है कि हम लोग क्या करते हैं कि इवन ये जॉब्स में भी जो लोग होते हैं, हम कुछ अपने जहन में ना मफरूजे बना लेते हैं, कुछ मिथ्स बना लेते हैं जो कि हमें प्रॉपरली प्लान आउट करने नहीं देती। अब वो मिथ्स किस किस्म के होते हैं, अब उसमें सबसे पहले जो मिथ ठीक है होता है सबसे इंटरेस्टिंग वो ये होता है कि मनी फॉर नथिंग वाला, कि मैं कुछ भी ना करूं और मुझे पैसा मिल जाए, ठीक है, यानी मैं कोई ऐसा काम करूं या मैं कहीं ऐसे पैसे लगा दूं कि जो है ना मैं बस बैठा रहूं और मुझे पैसे आते रहे। तो ये एक मिथ है, मतलब ये एक ख्वाब ही है, और अगर किसी का इस तरह का की जेन में बात है तो वो समझे कि कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए तो हो जाए, लेकिन नॉर्मल नहीं है। तो हम नॉर्मल इस पर बात कर रहे हैं कि जो रूटीन वर्क है, तो पहले ये जेन से तो निकाल दें कि भाई सही है, वाली नहीं, ठीक है, या लक फैक्टर को निकाल दें इसमें से, सही ठीक कोई जैकपॉट है ठीक लगेगा तो ही कुछ होगा। तो एक तो मिथ थी हो गया, है कि मनी फॉर एक नथिंग। थे अपने जेन में वो ये मनी फॉर नथिंग, पहला तो था मनी फॉर नथिंग, ठीक है। दूसरा मिथ ये हो गया कि हम क्या समझते हैं कि जो भी हमारे आसपास जो सक्सेसफुल लोग हैं वो किसी ना किसी गलत रास्ते से या किसी ना किसी लक फैक्टर से इस लेवल तक पहुंचे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये नॉर्मल सिचुएशन ऐसी नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनको हम नहीं, मैंने कहा जैसे हम एक्सेप्शनल केसेस को डिस्कस नहीं कर रहे, तो हम नॉर्मल केस की बात करें तो ऐसा ऐसा नहीं है। और मैंने जैसे आपको सुना तो मुझे अंदाजा हुआ कि आप भी इसी चीज पे वर्क करते हैं कि एक नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है आप ये कहें कि मेरे आसपास जितने लोग हैं जो कामयाब हो गए हैं
ये सब किसी ना किसी या तो लक फैक्टर से हुए हैं, या इन्होंने कोई गलत बीच में कोई हाथ मारा है, कोई दो नंबर काम किया जिसकी वजह से इस जगह पहुंचे, ऐसा नहीं है। तो हमारी जो थ्योरी या ये जो रिसर्च है वो ये कहती है कि आप ऐसे लोगों के साथ या तो बैठे हैं या उनके साथ वक्त गुजारें, या उनको एटलीस्ट स्टडी करें और उनके सही पीछे से स्टडी करें कि मतलब वो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और कहाँ अब आज कहाँ है। दो दो मफरूजे तो ये हो गए, ठीक है, सही यानी एक हो गया मनी फॉर नथिंग वाला, और दूसरा ये हो गया ठीक कि है देर इज लक और जैकपॉट और इल गॉटन मीन्स बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, तो ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, तीसरा इसके बाद जो एक और, ये हम ज्यादातर जो कॉर्पोरेट जॉब्स में लोग होते हैं वो हम इस तरह की सोच ज्यादातर रखते हैं। आई डोंट नो अगर हमारे यहाँ कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं या आप उसको एग्री कर सकते हैं। हम ये क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि मैंने जो काम मैं कर रहा हूँ ना, तो अगर कंपनी ने मुझसे इससे ज्यादा काम कराना है ना, तो मुझे ज्यादा पैसे दे, ठीक है। मतलब हम सही ये नहीं सोच रहे होते कि जो है मैं क्यों अपनी एफर्ट को इंक्रीज नहीं कर सकता, कि मैं एफर्ट ऐसी करूं कि मुझे कंपनी जो है ज्यादा पैसे दे। नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम कहते हैं बस जितना मैं काम कर रहा हूँ उतने पैसे मुझे कंपनी देते, और एक्सेप्ट और हम जहनी तौर पे ये बना लेते हैं कि अगर मुझसे ये एक्स्ट्रा काम कराना है या मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे। हालांकि ये भी एक मिथ है, ऐसा होता नहीं। आप जब तक अपनी वैल्यू बढ़ाते नहीं है, जब तक आप काम को का एक लेवल आप दिखाते नहीं है, तो आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिलते नहीं। और फिर इसके बाद जो चौथा मिथ है, जो सबसे बड़ा मिथ है, जो कि सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी आपने पर्सनल तीसरा लाइफ क्या बताया, मैं असल में जी। टाइप कर रहा हूँ। तीसरा क्या था, थर्ड तीसरा ये था कि मेथ हम, क्या था? थर्ड मिथ ये था कि हम ये बना लेते हैं ज़ेन में कि इफ इफ दे वांट मी टू वर्क हार्डर दे शुड पे मी मोर, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, मैं यूं लिख देता हूँ, फर्स्ट पे मी मोर देन देन आई विल वर्क। जो आप, अच्छा आई थिंक बीच में वो ब्रेक आया था। अच्छा, लास्ट में जो इसका जो मैं कह रहा था कि जो कि हम लोगों से बहुत ज्यादा रिलेट करता है और जो कि सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, वो आपके साइकोलॉजिकल उससे भी है, वो है लिमिट्स का, लिमिटेशन। हम अपने जहन की एक लिमिट बना लेते हैं, ठीक है। मैं कल आपको सुन रहा था, आपने बहुत अच्छी बात की थी कि जिस पे आप वर्क भी करते हैं, जो माशाल्लाह जो जो साइड हसल वाली आपने बात की थी, वो ये जो लिमिटेशन जो हम लगा लेते हैं अपनी, कि मेरी एक लिमिट है, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने आप पे रखता हूँ, मैं कहता हूँ मैं फाइनेंस का आदमी हूँ तो मैं सिर्फ फाइनेंस ही कर सकता हूँ, तो ये एक लिमिट है सही जो मैंने अपने ऊपर बना ली। और उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जब कोविड टाइप की सिचुएशन आई, तो अब मैं सोच में पड़ा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी जॉब नहीं रहती या फाइनेंस का काम नहीं होता कुछ अरसे, कंपनी बंद है, तो हम क्या करेंगे। और तो ये वो लिमिटेशन है जिससे हम लोगों को अभी से बाहर निकलना पड़ेगा कि जो है मैं, जरूरी नहीं है कि मैं एक ही काम के लिए बनाऊं, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सलाहियतें दी हैं, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप इसमें थोड़ा सा अपना वो साइड हसल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड करें, जी मेरी जी भी मैं उसमें नॉलेज बस में इजाफा होगा। यही यही है मेरे जहन में कि ना अमूमन लोग समझते हैं, मैंने तो ये पर्सनली भी ऑब्जर्व किया कि बाज़ुकात कोई काम ऐसा होता है जो आपने 10 साल से नहीं किया होता, आपका पहला या दूसरा साल होता है, लेकिन या तो उस काम की डिमांड इतनी होती है या हो सकता है वो आपका ब्लाइंड एरिया होता है, आप उसमें जाते हैं बिल्कुल आपको पता चलता है लो भाई ये तो मेरे करने का काम है, और आप उसमें एकदम से जो है ना वो आगे चले जाते हैं। तो बिल्कुल और लेकिन ये पता कब चलेगा, वो एक कॉन्सेप्ट है ना जौहरी विंडो का, वो भी हम इंशाल्लाह कमेंट्स में शेयर कर लेंगे। तो वो जब तक आप कोई नई चीज करेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि हो सकता है कि आप उसमें बहुत अच्छे हो, एक चीज। दूसरा कि मुख्तलिफ चीजों को ट्राई करना तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ लाजमी है, क्योंकि जो लोग बिल्कुल वन यानी आप एक इंडिविजुअल को तो छोड़ें, जो कंपनीज भी अगर वन सोर्स ऑफ बिजनेस को लेकर सोच रहे थे और एक ही साइड को लेकर चल रहे थे, तो वो तो बहुत बुरे तरीके से परेशान है। और ऐसे में वो लोग बिल्कुल जो 8-10 किस्म की चीजों को लेकर चल रहे थे, तो ये बात अलग है कि वो फोकस नहीं थे, ये उनको एक इशू था कि वो किसी में भी इतना आगे नहीं बढ़े किसी एक चीज में, लेकिन समहाउ अभी कम अज कम इस सिचुएशन में उनको ऐसा नहीं हुआ कि उनकी सारी रिसोर्सेज बंद हो गई। एक बिल्कुल दूसरा मैं ये समझता हूँ कि फौरन वो कहते हैं ना कि हमें IBM में ही सिखाया, डॉक्टर शाहिद ने पंजाबी का एक कोट है, सोची पे ते बंदा गया, तो हाँ जिसका उर्दू में तर्जुमा यह है कि अगर आप सोचते रहेंगे तो इतनी देर में बंदा चला जाएगा। हाँ सो बिल्कुल सही ये बात तो इस वक्त तो टाइम की बड़ी वैल्यू है कि आपने किस वक्त जो है ना वो अपॉर्चुनिटी को अवेल किया
और आप उसको संवारने में लगे, और आपने बोला मैं तो फुल फोकस करके 3 साल की प्लानिंग के बाद मार्केट में उतरूंगा, तो जब तक आप उतरेंगे हो सकता है सब कुछ ऑब्सोलीट हो चुका हो। एग्जैक्टली ये बिल्कुल और मैं वही ये बात की। जी जी आप बताओ। कहें आप नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि ये वही उसी से ही लिंक्ड है कि हम क्या करते हैं कि अपने आप को अपनी सोच को महदूद कर लेते हैं कि जो है ना, और करते क्यों है कि हम यही सोच लेते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता। तो जब तक आप, वही बात आपकी कि जब तक आप उसमें हाथ डालेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, और मैं इसमें ना बहुत कामयाब लोगों को भी जानता हूँ, मैं मेरे एक जानने वाले हैं, तो अभी जब ये डिजिटल मार्केटिंग नई नई आ रही थी तो उनकी उम्र कोई अराउंड 50 होगी और उनकी चेन ऑफ नेटवर्क्स है स्कूल के ना कराची में, लेकिन वो पर्सन खुद यूएसए गए वो, और उन्होंने वहाँ पे जाके डिजिटल मार्केटिंग सीखी, और इस वक्त नाउ कराची में टॉप 3 में डिजिटल मार्केटिंग जो सिखाने वाले लोग हैं उनमें वो आते हैं। लेकिन मैंने, अच्छा वो साथ में कोचिंग भी सीख रहे हैं, और वो यानी साल में 3-4 वो ऐसे ऐसी लर्निंग कर रहे हैं कि इसमें वो जाके करते हैं, सिर्फ ऑनलाइन भी नहीं कर रहे। तो मैंने बोला यार वाकई में जो बंदा इतनी इतना अपने आप को अपडेट रखेगा फिर उसे पीछे करना, तो यानी उसका परेशान होना समझ में नहीं आता ना, क्योंकि वो इतना अपने आप को हर चीज में अपडेट रख रहा है। अच्छा, और हम लोग बहुत सी जगह पे क्या होता है, चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती, मेरा ये मानना है कि जब हम नई चीजों को देख रहे होते तो हो जाती है। एक तो परफेक्शन लोगों को रोकती है कि मैं जब करूँ तो फिर वो एक बिल्कुल सर्टेन परफेक्ट है। स्टैंडर्ड पर, हाँ। और वो स्टैंडर्ड नहीं आता भाई, पहले साइकिल चलाने चलाते वो बंदा गिरता है पहले बच्चा, बिल्कुल फिर सही, वो चलते चलते फिर ही सीखता। चलता। तो ये है मेरे 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 ख्याल में ना, और मेरा जो आइडिया होता है कहीं भी वो यही कोशिश होती है कि एक एक प्रोसेस को पूरा किया जाए, और जब वो हो जाए और आपको पता चले आप इसमें कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, फिर आप उसको एक्सपेंड करें। जैसे मैंने बड़ी जबरदस्त टर्मिनोलॉजी सीखी थी अपने एक टीचर से, वो कहते हैं कि 3 S है बिजनेस में, कोई भी काम करना हो, कोई भी बिजनेस हो, तो 3 S आपने सामने रखना है। नंबर 1 है सस्टेन, देन स्टेबल एंड देन स्केल। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी के मोड में ही नहीं होते और डायरेक्ट स्केलिंग पे जाते हैं, चाहे वो हमारी बिल्कुल पर्सनल लाइफ की इनकम की बात बिल्कुल। हो या बिजनेस की हो। जी यासिर भाई, ये और आपने बड़ी मजेदार बात की। इस पे मुझे एक एग्जांपल याद आ गया। मैंने ऐसे एक्चुअली बुक में ही पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने यही दिया कि उन्होंने कहा कि अक्सर एंटरप्रेन्योर्स को हमने देखा कि वो, उन्होंने क्या गलती की, एग्जैक्टली यही वाली की कि उन्होंने कहा कि जब मैं शुरू करूंगा ना काम, तो मेरा इतना बेहतरीन सा ऑफिस होगा और उसमें सोफे लगे होंगे और ये सब कुछ होगा और फलाना होगा। तो इस तरह का उन्होंने दो एग्जाम्पल्स रख के कोट किया है कि दो शख्स थे, दोनों ने एक ही सॉर्ट ऑफ नेचर का काम शुरू किया, और एक ने इसी तरह बहुत बड़ा जबरदस्त ऑफिस बनाया कि मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे, मैं उनको इम्प्रेस करूंगा, और दूसरे का बिल्कुल ही सादा सा ऑफिस था, उसने घर में जैसे गैरेज में खोल लिया या कुछ कर। तो उन्होंने बताया कि चाइनीज आए उनके पास कोई ऑर्डर ऑर्डर देने, तो जब कंप्लीट हो गया तो पता ये चला कि जो गैरेज वाला आदमी था उसको उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब कि मुझे क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि जब पूछा उससे कि आपने उसको क्यों दे दिया, इसको क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने, जो गैरेज वाला है ना, उसको हमने अंदाजा किया कि ये, इसको जो है ना सेंस है कि मुझे जो है ना कितने पैसे, इस तरह से काम करना है, क्या करना है, क्योंकि इसने जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया अपने इस चीज के ऊपर, मेकअप के ऊपर, समझ रहे हैं, बिल्कुल और इस, ये फोकस्ड है काम पे, तो इसलिए हमने इनको जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और दूसरे का हमें लगा कि फोकस सिर्फ इस पे है कि किसी तरह जो है ना मैं बस क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर लूं और ये कर लूं, तो इसका, तो ये आपने जो दिया ये उसी से लिंक्ड बन गया एग्जाम्पल एक। अच्छा, मैं इसमें बताऊं, एक एक बुक है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सभी को पढ़नी चाहिए, उसका नाम है कामयाब लोग, डॉक्टर अमजद साकिब ने लिखी है, जो उबर के बिल्कुल। फाउंडर है। अच्छा, उसमें ना 30 स्टोरीज हैं चिनोटी हजरात की, जिन्होंने जीरो से काम शुरू किया और वो लुटे बहुत था, मतलब पार्टीशन के वक्त सब कुछ इंडिया में रहा, फिर इधर आके सुकूते ढाका वक्त के वक्त सब कुछ जो है ना वो बांग्लादेश की सेपरेशन के वक्त सब कुछ वहां रह गया, फिर जीरो से स्टार्ट किया। अच्छा, उसमें एक दो बातें खाली जो मेरे जहन में भी थी कि जैसे यासिफ भाई आपने बात की ना, उन्होंने कहा कि भाई ये लोग वो हैं जो, मतलब उसमें मैंने रियल एक स्टोरी उन्होंने शेयर की कि हमारे आबाव अजदाद ये करते थे कि एक वक्त का खाना नहीं खाते थे, और उस पैसे को यानी दिन में एक वक्त खाना खाते थे और उन पैसों को जोड़ते थे कि उन्होंने आगे बढ़ना, अपने नस्लों को आगे बढ़ाना है, और अपनी नस्लों को वो काम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते थे, ये चाहिए कि वो उनको कहीं नौकरी पे लगाते। अच्छा, बिल्कुल। एक मिसाल, और ऐसी बहुत सारी मिसालें उन लोगों की कि वो बिल्कुल सादा सी जिंदगी गुजारते थे और कॉस्ट कटिंग के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल। अपने बिजनेस को लेकर गए, आने चार आने के ऊपर,
और यानी बिजनेस स्टेबल होने के बाद भी वो एसी क्लास से सफर कर लिया बस में, वो ट्रेन में, तो उसमें क्लास ले ली चचा ने भतीजे की या बाप ने बेटे की कि भाई तुमने ये पैसे वेस्ट क्यों किए, क्या दूसरे में नहीं आ सकते। अच्छा बिल्कुल. इसको हमारे यहाँ लोग इसको कंजूसी का टाइटल देके रुक जाते हैं, हालांकि वो ये मैं नहीं समझता कि ये कंजूसी है। हाँ जब एक दफा कॉस्ट और चीजों का अंदाजा हो जाए, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर वो उसको बिजनेस से पैसे कमाना तो शुरू करेगा मतलब। तो हमारे यहाँ वाकई में बिजनेस का जैसी नाम आता है ना, तो लोगों के जहन में मर्सिडीज आती है, बड़ी सी फैक्ट्री आती है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ भाई वो रेडी लगाने वाला भी एंटरप्रेन्योर है, वो भी बिजनेस मैन है यार। या हाँ और इनिशियली छोटे लेवल से ही आगे जाएगा। देखिए जो वही जो सस्टेन स्टेबल और स्केल वाला फॉर्मूला, तो जो छोटे से बड़ा होता है ना, तो वो सारी समझे कि मुश्किलात से गुजरा हुआ बंदा होता है। जैसे कैसर भाई कहते हैं ना कि वो मैं इश्क और वो मैं, कि एक होता है नाकामी का जून और एक होता है कामयाबी का जून और बीच में होता है रगड़ा जून। तो जो रगड़े जून से नहीं गुजरेगा ना, वो तो अब हमारे यहाँ यही होता है कि भाई वो एक अच्छी सी रॉकेट पिच दे दी जाए, इन्वेस्टर के पैसे आ जाए। तो पता नहीं ये कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है, लोग पढ़ रहे हैं। और मैं तो कहूँ अच्छा ये पूरी मिथ है बहुत बड़ी मेरे ख्याल में, कि हम इन्वेस्टर का पैसा लेकर जो है ना वो बिजनेस चलाएं। भाई इन्वेस्टर का पैसा लेके बिजनेस कौन चलाता है? आप सबसे पहले ये फॉर्मूला बनाए कि मैं रियल सेल्स करके लोगों को वैल्यू दे के कैसे पैसे जनरेट करूं, बिल्कुल सही बात, दैट इज द मेन बिल्कुल थिंग, सही. ठीक है ना। एक एक मैं केस आप आपके सामने कल जी कल मेरे ख्याल में आप कल एक आई थिंक उसको डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपका बर्ड इन हैंड वाला, और जिसके साथ साथ एक और प्रिंसिपल जी है क्रेजी क्विल्ट वाला. तो वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नीड सॉल्यूशन जी क्रेजी क्विल्ट में ये कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्किल्स वाले रिजल्ट, लोग ठीक जमा है हो जाएं और वो हो जाएं. तो मैं वो कहता कि जी जी ये दो ऐसे बेहतरीन फॉर्मूले हैं, बर्ड इन हैंड वाले और क्रेजी क्विल्ट वाले, कि ये इसको अगर आप देखें तो फिर आपको बड़ा आराम से समझ आ जाता है. आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर सकें तो. हाँ मैं करता हूँ। देखिए बर्ड इन हैंड तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप एक सवाल लिखें अभी कॉपी में अपने पास के व्हाट आई लव, मुझे क्या पसंद है, कौन सा काम ऐसा है। अच्छा उसकी 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 निशानी क्या है? दो चीजें, जिस काम को करते हुए मुझे थकन ना हो और जिस काम को करने के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, सही ना। यानी अगर अगर हमसे कोई पूछे भाई ट्रेनिंग या कोचिंग, तो हम मैं बताऊंगा भाई मैं 2009 से हाँ लगा हुआ, पता नहीं कितने फ्री सेशंस किए जिंदगी में और करते रहते हैं, कभी मिल जाते पैसे कभी नहीं मिल, लेकिन मजा हमेशा हम करते हैं हमेशा मजे के लिए, क्योंकि हमें उसमें बिल्कुल मजा सही आता बात. है। एक और थकन महसूस नहीं होती कभी, कभी भी कर ले ठीक है ना। किताबें पढ़ने में थकन महसूस नहीं होती, एक खत्म होती है साथ में दूसरी शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये पहली चीज हमें नजर आती है। तो आपका कुछ और हो बिल्कुल सकता है, सही. आपका स्पोर्ट्स हो, आपका खाना बनाना हो। अच्छा हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मेरा भतीजा उसको खाना बनाने में मजा आता है, तो वो मैं कल उस दिन सेशन में भी बता रहा था, हमने उसके साथ अभी लॉकडाउन में घर में अपने रिलेटिव जो करीब है उन्हीं को जिंगर बर्गर बना बना के बेचना शुरू कर दिया उसने। तो वो उसका समझे कि पैशन है या उसका वो एरिया जिस जो उसे पसंद है। तो पहला तो ये आपके पास आ जाए जितने भी आपके जहन में, पहला। सेकेंड अब आप ये देखें कि आपके पास क्या स्किल्स है, क्या एजुकेशन है या क्या स्किल्स है जिनको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आईटी में कुछ आता है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना वो आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उन रिलेशनशिप से लोगों को कनेक्ट कर ले। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज अब आप देखते हैं अपने पास सारे लोगों के नंबर्स में उठा के लिखे, कि आपके पास फोन में कितने नंबर्स हैं, फेसबुक पे कितने लोग हैं, और आप देखें कि ये लोग कैसे मैं इनको कोई वैल्यू दे सकता हूँ, या ये लोग कैसे मेरे बिजनेस में मेरे साथ विन विन गेम हो, उनका भी फायदा हो हमारा भी फायदा हो, और फिर आप इस पे काम करना शुरू करें। तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा प्रोसेस वो है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज टोटली फ्री, आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करते हुए उसको यूज कर रहे हैं। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कहीं मैं एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं कर रहा कि हम किसी को खुदा ना खास्ता धोखा ना दें, हम तो उनको भी वैल्यू दें। एक तो ये चीज हो गई। अच्छा जो दूसरी बात आपने की क्रेजी क्विल्ट की, वो भी बड़ी जबरदस्त, वो भी बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो है ना अलग स्किल्स दी है। अब बिल्कुल. हमने हमने अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना है। जैसे उमैर से मैंने सीखा, उमैर जालियावाला से, कि खाने में डलने वाली हर चीज का जायका अलग होता है, लेकिन वो सब मिलकर एक डिश बनती है। तो लोग अलग हैं, हम लोग लोगों के डिफरेंसेस को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हर एक की स्किल्स अलग हैं, तो हमें उनकी बिल्कुल स्किल्स सही. को देखना चाहिए कि वो हमारे साथ कैसे मर्ज हो सकते हैं, और हम कैसे उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और अगेन ये बात सिर्फ पैसों की हद तक नहीं है, ये माशरे में लोगों तक एक अच्छी वैल्यू डिलीवर हो, लोगों को चीजें मिले, तो
और अगर आप उससे कोई बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर आप एक नॉर्मल प्राइस चार्ज कर रहे हैं और सब चीजों को बड़ा नॉर्मल लेकर चल रहे हैं तो ये है सिलसिला। अच्छा बिल्कुल यासिर सही। भाई, जरा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट तो बताएं, कुछ लोग जो है ना वो। हाँ अच्छा, इसी इसी को फिर मैं आगे अब बढ़ाता हूँ ना जी, कि और साथ साथ आप देखिएगा कि आपके जो जो आपके कोर्सेज हैं या आपके कॉन्सेप्ट हैं वो साथ साथ मैच होते चले जाएंगे, क्योंकि बेस ही की है सारी। अच्छा, अब जिस वक्त हमने बात कर ली कि मिथ्स की, तो हमने डिस्कशन कर ली कि मिथ्स आपने हटा ठीक है, दिए। सही अच्छा, अब है। सबसे जो फेज आ गया वो आ गया अर्निंग का, ठीक है। अब अर्निंग का, जैसे मैंने बात की कि अर्निंग या पैसा आपके पास किस वजह से आएगा, या तो आप कोई आपके स्किल्स हैं, या आप उस जिसके आप सर्विसेज दे रहे हैं, या आप कोई गुड्स बनाते हैं, आप उसके कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन है कोई, उसकी बेस पे आप पैसे लेते हैं। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि हर आदमी दूसरे आदमी को पैसे देने के लिए एक मेंटली इंसान की कुछ इस तरह से ट्यून हुआ हुआ है कि वो एक हर चीज की एक खुद से एक साइकोलॉजिकल लिमिट बना लेता है कि अगर मुझे इसको पैसे देने हैं तो इतने पैसे देने हैं, ठीक है। सही, आपका काम क्या है कि आपने उस अर्निंग जो या जो आपको मिल रही है उस अर्निंग को आपने इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक काम करते हैं उसके आपको 100 रुपए मिलते हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे 100 नहीं, मुझे 200 रुपए मिलने चाहिए इस चीज के, ठीक है। ये तो एक आपने बनाया ना अपना पैसा, पहले एक लिमिट बनाई कि भाई मुझे 200 रुपए तो कम से कम इसके होने चाहिए। अब 200 रुपए अगर एज कम्पेयर टू दूसरे लोग अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा आप चार्ज कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा को चार्ज करने के पीछे आपको डेफिनेटली जिस चीज पे काम करना है वो है आपकी वैल्यू, सही है। आप जो सही, चीज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप कोई मतलब सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो आप ऐसी सर्विसेज दें कि वो आदमी मजबूर हो जाए कि आप जब उससे 200 रुपए मांगे तो वो 200 रुपए देने पर तैयार हो। इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट उसको बेच रहे हैं, तो वो इस लेवल की या इस क्वालिटी की आप उसको दें कि वो मजबूर हो जाए कि इसको मुझे, अगर आप 200 रुपए मांग रहे हैं तो वो 200 रुपए देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। हम इसमें अक्सर सही, एग्जाम्पल जो है ना ये एंड एंड फोन का करते हैं, उसको हटा के पीछे ब्रांड मैनेजमेंट कैसे होती है, लेकिन डेफिनेटली लोग एक प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हैं। तो वो उन्होंने एक वैल्यू अपनी सही, क्रिएट की है जिसकी वजह से वो इस लेवल पे आ गए। अच्छा, अब इससे लिंक्ड, अब वो आपके उससे जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उससे कैसे लिंक हो जाता है कि अब ये वैल्यू बढ़ेगी कैसे, किसी भी चीज की स्किल्स हैं या प्रोडक्ट है तो ये वैल्यू बढ़ेगी कैसे। तो ये वैल्यू उसी सूरत में बढ़ सकती है अगर मैं अब इंसान की पर्सनल, क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंस में बात कर रहे हैं, तो पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये वैल्यू उसी सूरत बढ़ सकती है कि अगर आप अपने फारे वक्त में टाइम के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते रहें, यानी आप अपनी स्किल एनहेंसमेंट के ऊपर कोई ना कोई काम करते रहें। तो जब आपकी स्किल एनहेंस होगी तो डेफिनेटली आप दूसरे बंदे को एक एक हायर वैल्यू की एक चीज पेश करेंगे या हायर वैल्यू के अपना जो है सर्विसेज पेश करेंगे। तो अब जब, क्योंकि जब हम ये कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, और क्योंकि हमने रखा ही उसके बैकग्राउंड में था, तो मैं सबको यही इसमें कहता हूँ कि इस वक्त ये वो टाइम है क्योंकि सब मजबूरन इस वक्त सब घरों में बैठे हुए हैं और लॉकडाउन में है, तो इस वक्त बजाय घबराने के और परेशान होने के आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, ये बेस्ट टाइम है कि आप जो है ना इसको यूटिलाइज करें। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सब कनेक्टेड ही हैं मोर और लेस। तो आप, ये बेस्ट टाइम है कि अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करें, और ये जो वर्क आप अभी कर लेंगे स्किल्स के ऊपर, वंस इंशाल्लाह ये मामला जब खत्म हो जाएंगे, आप इससे बाहर आएंगे तो आप डेफिनेटली आप जो है किसी और जगह पे, ये आप जिस जगह जा काम करते हैं या जो भी काम करते हैं उसमें आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो वैल्यू एडिशन करेंगे। जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा एक पॉइंट ये हो सही, गया इस सारी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है अपने स्किल्स के ऊपर और अपने स्किल्स एनहेंस करने पे, जिससे आपकी वैल्यू, आप दूसरों से अपने आप को एक फर्क रख सकें कि, और यानी आप ये समझ लें कि आप प्रीमियम चार्ज कर सकें किसी को। आप जो भी काम करते हैं किसी भी चीज को ले लें तो आप उसके अंदर जो है अपने प्रीमियम लेवल एक चार्ज कर सकें। तो ये एक एक और सॉर्ट ऑफ थ्योरी है जो आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि आपको अपनी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करना है इस, और इस पीरियड में तो सबसे ज्यादा मैं इसमें बेहतरीन मौका है। इसमें मैं एक बड़ी जबरदस्त बात आपसे शेयर करूंगा कि एक तो हमारे पास जरूर टाइम है, ठीक है, और मैंने देखा कि वर्ल्ड वाइड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड लोगों ने
अपनी जो है ना बहुत सारी चीजें ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री कर दी। बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के दबादब लोगों ने कोर्सेज जो है ना वो कुछ चले पार्शियली सही, लेकिन इतना है कि वो अगर आपको नहीं जीरो से काम करना है बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें, और बहुत सारे लोगों ने चीजें अवेलेबल कर दी फ्री में। सो अब उसमें अगर आप थोड़ा सा भी उस पर काम कर लें तो मैं समझता हूँ कि वो फौरन से, और ये बड़ा बेहतरीन टाइम है आपके पास कि आप उसको सीख भी लें और साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी कर लें, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल वही टाइम अगर आप अल्लाह ना करे सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं या बुक्स नहीं पढ़ रहे या जाया कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये खत्म हो जाएगा वक्त। और जब आप आएंगे नेक्स्ट टाइम, यानी जब सब कुछ खुलेगा, तो अच्छा ये तो बताएं कि अब ये सब कुछ खुलेगा तो क्या 100% वैसे बैकअप करेगा या कुछ कुछ रह जाएगा? क्योंकि टीचिंग इंडस्ट्री में तो हमें पता है कि 50% तो फिजिकल बिजनेस जो था ना टीचिंग का वो गया, तो हाँ 50% असल में ही सिर्फ होगा जिनको घूमने फिरने का शौक होगा वो जाएंगे पढ़ने, वरना तो लोग ऑनलाइन हाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि टीचर की भी आ जाएंगे। रिलेक्टेंस खत्म हो गई, स्टूडेंट की भी खत्म हो गई। अच्छा एक बात मैं मैं ऐड ऐसा कर एक लूं, फिर आपका मैं सवाल जी लेता बिल्कुल हूँ। हाँ जरूर वो जरूर मेरे सहन में था कि जो है ना भाई, जब आप अगर व्हाट्सएप और फेसबुक को देखें, अच्छा चूंकि मैं फेसबुक मार्केटिंग का काम करता हूँ तो मैंने देखा मतलब हर किस्म का बंदा चला रहा है, एंड ही नोज के ये कैसे चलेगा, ठीक है ना? तो एंटरटेनमेंट के लिए तो कोई नहीं सिखा रहा आपको भाई, आप कुछ सीख रहे हैं कैसे डाउनलोड होगा, अच्छा पैसे भी आ रहे हैं आपके पास उसके लिए, इंटरनेट का पैकेज करवाने के भी पैसे हैं, मोबाइल खरीदने के भी पैसे हैं, और आपको जो है ना वो चलाना भी आ गया खुद। अच्छा अब जब बात आती है लर्निंग की, तो अभी आपको पता है HEC ने ऑनलाइन क्लासेस बंद करवा दी कि टीचर और स्टूडेंट जो है ना वो कर नहीं पा रहे, स्किल सेट नहीं है अच्छा उनका कि वो ऑनलाइन कैसे करें। अब आप अच्छा ये वही बंदे बच्चे हैं जो जिनको टॉरेंट निकालना आते हैं, जिनको पता बिल्कुल नहीं क्या क्या करना आता है इंटरनेट। अच्छा मैं अभी अपने इर्द गिर्द एरिया में जो देख रहा हूँ तो भाई लोगों के पास गए, अच्छा मैंने भी कुछ जो मेरे जानने वाले थे जो फाइनेंशियली बड़े क्राइसिस में थे, तो मैंने कहा देखो मैं तुम्हें रिसोर्सेज देता हूँ, बुक चाहिए मुझसे बुक, मेरी लाइब्रेरी से बुक ले जाओ, ऑनलाइन कोर्स देखना है मैं तुम्हें अपना कोई ऑनलाइन कोर्स पे एक्सेस दे देता हूँ। वो नहीं भाई, वो अच्छा ड्रामे देख लेंगे मेरे पास, तो वो रिपीट टेलीकास्ट कर लेंगे, सही ना? वो जो है ना वो गेम खेल लेंगे, ऐनक वाला जिन देख लेंगे बच्चों के साथ बैठ के कि यार हम अपने बचपन में देखते थे। लेकिन जो है ना वो लर्निंग वाली साइड अगर उनको कहें तो वो नहीं, टाइम ही नहीं, आप बकवास कर रहे हैं, बातों से कुछ नहीं होता। तो हाँ असल में इस ये किस्म बड़ा की जो है ना वो अनफॉर्चुनेट लोगों है। की एक मेंटेलिटी बन गई ये बहुत बड़ा बहुत ज्यादा, बहुत यानी मैं तो समझता हूँ अनफॉर्चुनेट ये है। तो अल्लाह ताला ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी सब लोगों को, और अभी भी कुछ कुछ टाइम है कि इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते थे, और बिल्कुल सब क्योंकि देखिए दूसरी एंटरटेनमेंट वाली साइड पे आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, अगर नहीं आता या बिल्कुल मुश्किल होती तो आप एंटरटेनमेंट वाली साइड पे नहीं कर पाते। बच्चा बच्चा जान चुका है टिकटॉक क्या है, बच्चा बच्चा व्हाट्सएप बिल्कुल फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, और अनपढ़ आदमी भी कर रहा है, तो उस अनपढ़ आदमी को जब इधर बिजनेस का बताओ या कोई लर्निंग वाली चीज का बताओ तो वो पीछे रह जाता है। अब इसमें एक बात और जहन में थी कि अब अगर पाकिस्तान से उनको देखें ना, हमारे जो जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे वो नादिर अली कॉमेडियन है, वो लोगों के साथ अजीब सा मजाक भी करता रहता है वो। अच्छा हमारे यहाँ कोई एंटरप्रेन्योरशिप का या ऐसा चैनल को इतना खास नहीं है। अब इंडियन इंडिया इंडिया में देखें विवेक बिंद्रा का चैनल तो एशिया का बल्कि वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के चैनल पे जिसपे सब्सक्रिप्शन है वो विवेक बिंद्रा का चैनल है, और टोटल कंटेंट हिंदी में। तो अब अच्छा जाहिर सी बात है इंडिया में लोग देख रहे हैं ना उसे, तो वो आगे जाएगा। अब समझ में आ रहा है आपको कि भाई ऑडियंस किस चीज को ले रही है। हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग कर रहे हैं काम, लेकिन माजत के साथ वो उस किस्म से लोग उनसे फायदा नहीं उठा इस रहे तरह का हाँ जैसे फायदा नहीं उठाना उठा चाहिए। रहे। कुछ सही कह रहे। अच्छा अच्छा आपका ये सवाल, जो आपके लिए जो सवाल था, जी हाँ जी नहीं मैं बस उसी को कंटिन्यू कर रहा आप था ये बात कर कि लें कॉल। वो हाँ मैं इसी से लिंक बात ये कर रहा था कि जो हमने बात की कि ये बेहतरीन मौका है सॉफ्ट स्किल एनहेंसमेंट का और सब कुछ है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें जहाँ पे इसके सारे समझे कि नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस हैं वहाँ पॉजिटिव एंगल इसका ये है कि मैं जैसे पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ कि इसने कोविड ने हमें समझे कि डिजिटल एज में जबरदस्ती धक्का दे दिया है और बिल्कुल इसमें इसमें वही फायदा उठा सकता है और या इसके बाद इंशाल्लाह जब हम इससे निकलेंगे
तो अब फायदा वही उठाएगा जो एक तो ये कि डिजिटल अपने आप को डिजिटल सेवी होगा, और दूसरा ये जो इनोवेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि अब आप बिल्कुल देख लें इसने पूरे मॉडल्स चेंज कर दिए, इसने यूनिवर्सिटी स्कूल्स के कॉलेजेस के जैसे आपने बात की इसने मॉडल्स चेंज कर दिए, जिसका बेनिफिट ये है जो मैं समझता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटीज इसी को कैरी फॉरवर्ड कर लें इस तरीके कार को, तो आप बहुत दूर दराज के छोटे एरिया के लोग जो बेचारों की एक्सेस नहीं होती यूनिवर्सिटीज तक बड़े शहरों की, वो बड़े आराम से इसके थ्रू आ सकते हैं। इंटरनेट तो सारी गांव देहातों सब जगह अवेलेबल हो गया है, तो ये बड़े आराम से इसके थ्रू आ सकते हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा माइंड बिल्डिंग का काम है, वो आप आप जैसे कह रहे ये हैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऐसा करता है, ये कह रहे हैं ना? मैं हाँ ये मैं एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ कि इससे एक अपॉर्चुनिटी ये निकलती है जी, कि एजुकेशन जो है वो आप और मास लेवल पे इसको लेके जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अब आपको फिजिकल क्लासेस ही हो, जैसे आप कह रहे हैं कि एचईसी ने मना कर दिया है, पर ठीक है, एक एक शुरू का एक सेटबैक उनको नजर आया है, लेकिन ये एक एक पुश तो दे दिया है इस कोविड ने हमें कि अल्टीमेटली अब आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा कि आइंदा अब कभी अच्छा कोई भाई, ऐसी पर मुझे जो सिचुएशन लग आए। रहा है ना इसमें, कि यूनिवर्सिटीज तो रेजिस्टेंस जब तक दिखा रही होंगी ना, वही सोचिए पे आते बंदा गया, इतने में ना ये इंडिविजुअल टीचर्स निकल जाएंगे आगे, जो इंडिविजुअल बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ा रहे ना, जब तक बिल्कुल यूनिवर्सिटीज अपनी एसओपीस बनाएंगी और ये करेंगी, इतनी इतने अरसे में ये पहुंच जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में मैं 2017 से ऑनलाइन टीचिंग की तरफ हूँ, तो मैंने इन 3 सालों में देखा है कि आम आम लोग और इवन छोटे छोटे शहरों के लोग, और जो उनके पास ऑडियंस है और 30-30 हज़ार स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, और ये वो जिस तरीके से पहुंचे ना, अच्छा इंडिविजुअल लेवल है ना, तो उनको वो शशके नहीं चाहिए होते, वो एसओपीस के चक्कर में नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, बस वो करना है, बस आ गए और शुरू कर दिया। लेकिन अगर उनके कंटेंट में जान है तो वो पहुंच रहे लोगों तक। अच्छा और फिर एक आप ये जरा मैं देखिए, आपसे, जी जी जरूर जरूर। नहीं आप बात करें फिर मैं हाँ आपसे मैं ये सवाल कह रहा था पूछूंगा। कि अभी इसी इसी के जब हम इसकी इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज या उसको बात करते पॉजिटिव एंगल्स की बात करते हैं, तो अब आप ये सोचिए कि कितना आपका एक मेजर इम्पैक्ट ला सकता है आपके ओवरऑल इकोनॉमी पे और उस पे कि अब जो हम इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रखे हुए हमने यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के और बहुत सारे ऑफिसेज के, आप देखें तो किस हद तक सबको ये अंदाजा हो गया कि जो है ना किसकी कितनी जरूरत है ऑफिस में बैठ के काम करने बिल्कुल की, किसकी कितनी जरूरत है कि यूनिवर्सिटी जाके इस कोर्स को पढ़ने की। तो आई थिंक कि ये इसने हमें एक जबरदस्ती धक्का दिया और ऑटोमेटिकली जो है ना आप समझे कि हम एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक सेविंग कर सकते हैं अगर हम करना चाहें अभी भी घर से सीख लें। तो मैं इस पॉइंट पे आ रहा था, आप आगे बताइए आपके कुछ हाँ, कहने मैं का। तो आपसे, अब मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट से पूछ रहा था कि आप चूंकि खुद भी फाइनेंस के आदमी हैं, तो अब ये होगा नहीं, अब मुझे बताएं कि आफ्टर कोविड आप अपनी कंपनी को क्या एनालिसिस देंगे कि देखो अब इतने लोग तो नहीं आ रहे थे, फिर भी हमारी कंपनी तो चली रही थी, तो अब मैं इन बताता लोगों के साथ क्या किया जाए? हूँ क्योंकि नहीं मेरे एक यार दोस्त ने दा... बताया, जी जी वो एक पाकिस्तान की बड़ी पेट्रोलियम कंपनी में होता है, तो वो कह रहे हैं कि जो है ना, वो हम लोग तो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और होगा ये कि अब जैसे ही ये ऑन होगा सब, तो उसके बाद जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो एनालिसिस उठा के दे देगा सीईओ के सामने, और बिल्कुल हम लोग आधे से ज्यादा लोग उड़ जाएंगे क्योंकि हमारे बगैर भी काम चल रहा है। उसमें जरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट हाँ बताएं मैं क्या होने आपको वाला। बताता हूँ। नहीं इसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक फाइनेंशियल है और एक थोड़ा सा ना लीडरशिप का भी है। तो जी, लीडरशिप का एस्पेक्ट है जो मैं जो समझता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ और मुझे जो नजर आ रहा है जो कि इधर उधर बात हुई है कि बारिंग ये कि जो हमारा एक वेस्टर्न कल्चर है या आप समझ लीजिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके मुकाबले में हमारे कल्चर में मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोगों में एक जनरली थोड़ा सेंस ऑफ एम्पथी जो है ना वो बढ़ा है पहले के मुकाबले में। और मुझे बिल्कुल जो इधर उधर से जिस तरह से लोगों से जो डिस्कशन हो रही है वो ऐसे ही मुझे इतला मिली है या जो लोगों से मुझे आइडिया मिला है वो इस तरह का है कि ऑर्गेनाइजेशंस अब इन्हीं चीजों को सोचते हुए जो मैंने आपको कहा कि जो अपॉर्चुनिटीज निकली हैं कितने बड़े ऑफिस की क्या जरूरत है, रेंटल्स हम पे करते हैं करते हैं, तो इन चीजों को यूटिलाइज करके कॉस्ट कटिंग यहाँ करें बजाय ये कि हम टॉप टू बॉटम शुरू करें कि पहले बंदे निकालो और फिर बाद में उसके बाद सोचते हैं कि क्या है। तो ये एक एस्पेक्ट है जो एक अच्छा एस्पेक्ट नजर आ रहा है कि आप जो है आप बॉटम अप जा रहे हैं और दो तीन कंपनी जिससे मेरी डिस्कशन हुई है वो इन्हीं चीजों के ऊपर ऑलरेडी अब वर्क करना शुरू हो गए हैं कि हम जो है ना कॉस्ट कटिंग एवेन्यूज ऐसे देखें कि अपने जो जो हमारे ह्यूमन बेस्ड ना हो।
ह्यूमन बेस ना हो, और हम पहले कोशिश ये करें कि हम जो इस तरह की सुपरफ्लूअस किस्म के जो खर्चे थे उनको रिड्यूस करें। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, आप और मैं जिस तरह बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इस तरह की कितनी मीटिंग्स होती हैं जो हम एज एन ऑफिस में, हम किसी और ऑफिस पे जा रहे होते हैं तो उस पर एक एक्सपेंडिचर होता है, ऑफिस की गाड़ी होती है, उसका पेट्रोल का खर्चा होता है, उसके मेंटेनेंस का खर्चा होता है, एक ड्राइवर रखा होता है आपने। अब ये सारी चीजें जो है ना कर्टेल, आप इजीली ऑनलाइन आप जो है ना ये इस तरह की मीटिंग्स आप कर सकते हैं, प्लस जो नॉर्मल फिजिकल मीटिंग्स में जो टाइम वेस्टेज होती है वो भी रिड्यूस होगी। तो बहुत सारा जो है इसके पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, बट मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ सोच को चेंज करने की जरूरत है। वो मैं उम्मीद है कि आप हैं और जो बड़े ट्रेनर्स हैं और जो थिंक टैंक्स हैं वो इसके ऊपर लोगों के अगर सोच को इस पीरियड के अंदर अगर जो है चेंज कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा और उम्मीद है कि ह्यूमन एस्पेक्ट जो है ना वो कम से कम इम्पैक्ट होगा। ठीक। अच्छा, ये इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड भी करना चाहूंगा कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि हमें इसी के साथ एकदम से नजर आया कि लोगों ने लोगों का ख्याल भी बहुत रखा। अच्छा, उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग ना एक होने के लिए और नेक होने के लिए ना हमें कोई ठीक ठाक ऐसे झटकों की जरूरत क्यों पड़ती है कि हाँ, जलजला आए, सैलाब आए है, तो उस वक्त हम लोग जो है ना सब वो एकदम से आ जान जाते हैं कि नॉर्मल रूटीन में जाते करते हुए हमें क्या मतलब ये मुझे समझ नहीं आता। एक हैं। अच्छा, दूसरा फिर वो जब आता भी है तो वो हम लोग सिर्फ वही फायर फाइटिंग सोल्यूशन को ही सोच रहे होते हैं। मेरा बड़ी ख्वाहिश है और बड़ा दिल चाहता है अल्लाह ताला ऐसा करे कि जो है ना ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे इसको क्यों नहीं खत्म करे। जैसे वो जिसको इस साल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला ना, अभिजीत बैनर्जी, उसकी बुक है पावर्टी एलिवेशन, तो उसमें बड़ी जबरदस्त उसने बात कही कि ये ना वही माइंडसेट है जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, कि टाइम भी है लेकिन वो उस टाइम में एंटरटेनमेंट चाहिए, और पैसे भी हैं लेकिन उस पैसे से अपनी थोड़ी बहुत फजूल की चीजों के लिए वो पैसा लग जाएगा, वो पैसा साइड हसल के लिए नहीं लगेगा, साइड हसल से मतलब पार्ट टाइम कोई काम शुरू करने के लिए नहीं लगेगा, या वो टाइम कुछ नई चीज सीखने के लिए नहीं लगेगा। इस माइंडसेट को कैसे बदले? अगर ये माइंडसेट नहीं बदला तो फिर तो मुझे लगता है कि सारी जिंदगी ऐसे ही होगा कि जब कोई मसला आएगा तो जो है ना वो हम फिर जीरो पे आगे खड़े होंगे, फिर स्टार्ट होगा, फिर जीरो पे आगे खड़े होंगे। तो इसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, इसमें ना मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट भी बताता हूँ, और क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह पढ़ाते हैं जी तो जो है ना आप उसको भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा, अब ये जो लिंक है ना जी हमारा, ये उसी से लिंक्ड है जो हमने शुरू में बात की थी बजटिंग की और स्पेंडिंग की ना, कि वही अब कोविड की सिचुएशन में तो अब हमें नजर आ गया ना, पहले तो हम चले नहीं करते थे इस चीज को, लेकिन अब हम इसको बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कौन से मेरे नीड बेस्ड एक्सपेंसेस हैं और कौन से वांट्स बेस्ड हैं, कौन सी मेरी ठीक ख्वाहिश है है और कौन सी मेरी चाहत है, ठीक है, जिनको मैं रोक सकता हूँ। तो आपको अब आप जितने लोग हैं उनको अब नजर आना शुरू हो जाएगा कि मैं कौन से एक्स्ट्रा खर्चे करता हूँ। अच्छा, अब इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी बड़ी मजेदार है जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और ये खुद से समझे अपने ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा सबको, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो आपके पास या आपके पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज हो। वो क्या है कि हम जो है, मैं जस्ट पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ दूसरे सेशंस में, कि हम खर्चा करते क्यों हैं। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम जब कोई चीज खर्च करते हैं या कुछ लेते हैं, खासतौर पे जो आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर या लग्जरी एक्सपेंडिचर में करते हैं, तो वो आपको एक खुशी देता है, ठीक है, सही, तो उस खुशी इंस्टेंट को थोड़ी होती है। इंस्टेंट इंस्टेंट, हाँ, वो इंस्टेंट डोज है एक खुशी की, तो वो खुशी, उस खुशी को पाने के लिए जो है ना हम एक्स्ट्रॉर्डनरी या समझे आप लग्जरी खर्चे करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हम जब वो खर्चा करते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये जो है ये रहेगा, ये मैं, ये जो खुशी का जो मुझे जो बूस्ट मिला है ये मेरे अंदर रहेगा, मौजूद रहेगा, ये सबके बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, ये आपको कभी भी वो परमानेंट नेचर की खुशी कभी भी नहीं देता। आप मोबाइल्स में देख लें, हम अभी एक नया मोबाइल लेते हैं उसके बाद 10 दिन नहीं गुजरे होते, 15 दिन नहीं गुजरे होते, हम कहते हैं वो वाला ले लेते हैं वो ज्यादा अच्छा हो गया, या नया मॉडल आ गया तो आप जो है नया मॉडल करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, हालांकि जो मोबाइल आपके हाथ में होता है वो चल रहा होता है। तो अब सही जब जब मैं ये इसके डिस्कशन ही कर रहा होता हूँ, ये साइंस ऑफ मनी की या पर्सनल फाइनेंस की, तो इसके अंदर जो है ना जो एक टिप देते हैं लोगों को, वो ये देते हैं कि जो है आप कोई भी एक्सपेंड एक टिप जो इस पे देते हैं लोगों को अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए, वो ये देते हैं कि
कोई भी स्पेंडिंग करने से पहले ना आप उसको सोचें कि क्या मैं एक हफ्ता इस खर्चे को किए बगैर गुजार सकता हूँ। अगर आपको जवाब अपने दिल और दिमाग आपको ये देता है कि हाँ एक हफ्ता तो गुजर जाएगा, मोबाइल फोन ले लें कि आप मोबाइल फोन आपके आपके मुझे एक बहुत ख्वाहिश हो रही है कि मैं एक नया मोबाइल फोन ले लूँ, तो आप कहेंगे कि मैं हफ्ता गुजार सकता हूँ इसी पुराने मोबाइल के साथ। अगर आपका सही दिल कहता है कि ये दिमाग कहता है कि हाँ आप एक हफ्ता गुजार सकते हैं, तो आप एक हफ्ता रुक जाए, उसके बाद आप अगले हफ्ते पे आ जाएं, अगले हफ्ते एक हफ्ता गुजर गया उसके बाद फिर आए, फिर आपको बहुत ज्यादा ख्वाहिश हो रही है कि मुझे लेना है, तो आप फिर दोबारा यही एनालिसिस करें कि मैं 7 दिन और वेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, उसके बाद सात सही दिन हो। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप 3 हफ्ते तक इसको स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी इस प्लान को, तो अल्टीमेटली ये होगा कि वो जो आपकी वॉन्ट थी ना वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं मुझे वाकई इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको जो है ना कर्टेल कर सकता हूँ एक्सपेंडिचर, मैं क्यों खर्च करूँ। और अगर तो वो वाकई नेसेसिटी होगा तो फिर आपको लेना पड़ेगा, मतलब वाकई अगर टूट गया है मोबाइल तो फिर आप वाकई लेने जाएंगे, तो वो एक लॉजिक उसकी बनती है। तो ये जो अब कोविड एनवायरनमेंट में मैं यही जो शुरू में बात कर रहा था कि अब हम लोगों को ना ये अपने एक्सपेंडिचर ना बड़े इजीली नजर आ गए होंगे, क्योंकि हम घरों में बैठे हैं तो हम वो खर्चे कर नहीं रहे, तो इस वक्त हर आदमी को जो है ना अंदाजा हो गया होगा कि ये मैं कौन सी ऐसी चीजें थी जो मुझे अट्रैक्ट करती थी, जिनको मैं जबर ले लेता था उनको मैं जो है छोड़ सकता हूँ। तो ये हमारा उससे लिंक हो जाएगा बजटिंग के साथ कि अब मैं एडवाइस ये करता हूँ लोगों को कि अब आप जब अपनी इनकम सामने रख के आप बजट करें तो इस तरह से अपने एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर लें कि ये मेरे नीड बेस्ड एक्सपेंडिचर है कि ये तो मुझे करने ही करने हैं, और ये मेरी वॉन्ट्स हैं कि भाई इस महीने मुझे मोबाइल लेना है, इस महीने चले मोबाइल नहीं मुझे कुछ ये ऐसी चीज लेनी है, तो आप उसको अलग कर लें। तो इसमें बेस्ट है कि आप ना कोई भी आप तो बहुत अच्छे अच्छे आपको एप्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप देख लें, पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर करके लिख लें या पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर करके लिख लें, तो अनगिनत आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर लें, बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि जो है वो आपका एक्सपेंडिचर किस एरिया में ज्यादा हो रहा है, और ग्राफ्स के साथ बताएंगे, वो कर लें। वो नहीं तो बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं बेसिक के, अगर आप एक्सेल खोलें जिनके पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल के जब न्यू करते हैं तो जहाँ टेम्पलेट्स होती हैं तो वहाँ टेम्पलेट्स में भी बजट ट्रैकर्स बने हुए हैं, बजटिंग के छोटे से टेम्पलेट बने हुए हैं, वो बहुत ईजी है, आप उसमें बस इनपुट करें मेरी इनकम इतनी है, मेरा ये एक्सपेंडिचर है, तो आपको वो कैलकुलेट करके सारा बता देगा। तो ये जो फारिग वक्त है मैं सबको एडवाइस ये करूंगा कि इस टाइम में आप अपना पिछला महीना जो आपने गुजारा है उसी को आप ट्रैक कर लें, उसी को बजट बना लें कि मेरी इनकम ये थी उसके अगेंस्ट मैंने ये एक्सपेंडिचर किया, और फिर उस एक्सपेंडिचर को आप एनालाइज कर लें कि मेरी नीड बेस्ड एक्सपेंडिचर कौन से थे जो कि मुझे वाकई करने थे, और कौन से मेरे वॉन्ट बेस्ड थे जो मैं छोड़ सकता था। जब आप वो सही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मुझे अपने आगे पर्सनल फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है। सही। तो तो ये यासिर भाई, इसमें अब ऐसा तो नहीं होगा कि जी जैसे रमजान में होता है कि हम गुनाहों से बचते हैं बहुत सारी चीजों से, और फिर ईद का दिन जब आता है तो हम बोलते हैं अब तो छूटे हैं। तो मुझे पता नहीं क्या डर लग रहा है कि जो है ना ये कोविड एंड होगा और लोग जो है ना वो भागेंगे मार्केट्स की तरफ के भाई बहुत जुदाई हो गई। हाँ, एक बहुत अच्छी अच्छी बात की, और मैं खुद भी ऐसे ही जो है ना समझ रहा हूँ कि शायद बाकी ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि अभी से मैं भी खैर आप लोगों के साथ ही शामिल हूँ, मैं भी फेसबुक देखता रहता हूँ, तो मुझे अभी से लोगों के इसी किस्म के जो है ना पोस्ट नजर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही खत्म होगा तो कोविड हम कहीं यहाँ खत्म जाएंगे। होगा तो मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं इस जगह जाऊंगा, और सब अपनी अपनी जो है ख्वाहिशात नोट करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से वो बजटिंग वाली एक्सरसाइज करके देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, या अभी जो आप प्लान बना रहे हैं कि जैसे ही कोविड खत्म होगा मैं ये लूंगा, मैं इस जगह जाऊंगा, तो आप उसको अभी से एक्सपेंस को ट्रैक कर लें, अभी से उसको जॉट सही डाउन कर लें कि वाकई वो वांट मतलब नीड है आपकी कि नहीं है, और अगर सिर्फ ख्वाहिश है एक वो खुशी की खातिर कर रहे हैं कि बस अब छूट गए आजाद हो गए, तो उसको आप कर्टेल कर सकते हैं, उसको आप जरूर कर्टेल करें और तभी आप अच्छा मैनेज कर अच्छा सकेंगे। यासिर भाई, इसमें एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो, अच्छा ये ना जरूर जो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पहले इसका डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये फर्ज नहीं है, और जो इसके खिलाफ कर रहा है तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन एक एक चीज होती है दीन में, दो चीजें, एक है वो चीज जो हलाल हराम वाली है, और एक है जिसको बोलते हैं अजीमत, यानी नफिल नफली काम कि उस पर अगर आप चले जाए। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका देखें तो वो ज्यादातर नीड बेस्ड ही चीजों पर था, ठीक है। तो अगर हम लोग वैसे जिंदगी गुजार लें, अच्छा पहले तो जरा कॉन्सेप्ट ये समझ लें ना, माल का कॉन्सेप्ट
लोगों के बहुत ज्यादा जहनों में खराब ये आता है, दीन में ये कॉन्सेप्ट है कि माल अल्लाह का है और हम सिर्फ उसे खर्च करने के जिम्मेदार हैं, जिसका हमने मरने के बाद हिसाब देना होगा। मरने के बाद जो सवालात है उसमें से एक सवाल ये भी है ना, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। बिल्कुल तो सही। ये दोनों साइड्स हैं, कमाना भी एक पूरा काम है और खर्च करना भी एक पूरा काम है। और जो खर्च करने वाली बात है वो क्या है, वो जो है ना वो है क्या नाम है, बिल्कुल वैसे कि आप सारे नल खोलते हैं, सारे टैब्स खोलते हैं और टैंक में पानी भरना शुरू करें तो इंशाल्लाह कयामत की सुबह तक भी नहीं भरेगा। एक तो ये तो वो वाली साइड हो गई। अच्छा, रिलीजियस एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो यही था कि आप अगर जिंदगी उठाकर देखें सहाबा की आपसे सल्लम की, तो मेजोरिटी टाइम्स हमें यही नजर आएगा कि उन्होंने नीड बेस पे ही रखा, और कॉन्सेप्ट ये था कि ये माल तो असल में अल्लाह ताला ने हमारे इम्तिहान के लिए हमें दिया है, तो गरीब आदमी का भी इम्तिहान है, अमीर आदमी का भी इम्तिहान है, इसीलिए बिल्कुल ज़कात के और मुख्तलिफ चीज़ों के अहकाम जो हमारे ऊपर है वो लगे। तो हमें अपने अखराजात करते वक्त इन बातों को देखना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, ये अलग बात है कि हर किसी के लिए वो नीड और वांट की डेफिनेशन भी अलग अलग होगी बिल्कुल लोगों बिल्कुल के लिए, डेफिनेटली। क्योंकि वो उनकी इनकम क्राइटेरिया पे मैटर करता है। अच्छा, मैं इसको जरा और डिटेल में ले लेता हूँ। जरूर मैं कहता जरूर हूँ नीड है, कंफर्ट है जरूर। और लग्जरी है। तो नीड ये है कि बिल्कुल बेसिक पे चलेगा, कंफर्ट ये है कि इतना खर्च कर लिया कि चले कुछ बेनिफिट भी मिला, थोड़े पैसे भी ज्यादा लग गए लेकिन क्वालिटी के प्राइस पैसे दिए तो समझ आता है, क्वालिटी के प्राइस देना समझ आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्रांड नेम के दे रहे हैं, सिर्फ एक टैग के पैसे दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही अच्छा। अब ये गोरा भी समझ चुका है, तो वो जो सोशल मीडिया की बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी है गैरी, जो वाइन टीवी चलाता है, तो वो थोड़े दिनों पहले भी उसकी मैंने वीडियो देखी, तो वो नाइकी का शूज के हाथ में था, उसने कहा इट्स अ कमोडिटी एंड यू आर पेइंग जस्ट फॉर दैट दैट लोगो, वरना तो ये चाइना से मैं भी बनवा सकता हूँ, कोई भी बनवा सकता है, लेकिन यू आर बिल्कुल पेइंग फॉर दैट लोगो। तो ये बेवकूफ़ी लोग कर रहे होते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है तो उसमें बिल्कुल गरीबों का भी हक है, तो आप अपने फराइज भी अदा करते रहे और उस इस वाले एस्पेक्ट को भी सामने रखें, तो इनशाला कभी भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक जो जो जुमला मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा अपनी वर्कशॉप्स में, वो ये होता है कि अल्लाह ने सबको इतना दिया है कि वो खुश रहें, लेकिन एक की खुशी दूसरे का गम बन जाए, वो है कंपैरिजन। बिल्कुल मैं सही। अपनी छोटी गाड़ी में बहुत खुश होऊंगा जब तक मेरे बराबर मेरा दोस्त या मेरा कोई रिश्तेदार जो उम्र में या किसी भी तरीके से मेरे बराबर हो, उसके बाद ज्यादा अच्छी गाड़ी होगी ना, बस वहाँ जो है ना एक मुश्किल आती है कि ये क्या हो, तो वो अच्छा, एक कंपैरिजन छोड़ने पड़ेंगे। कमेंट कमेंट भी किसी तरह का आया है कि सर दिस इज द बेस्ट टाइम इफ समवन वांट्स टू बाय स्टफ, लॉट्स ऑफ गुड ब्रांड्स आर ऑफरिंग बिग बिग डिस्काउंट्स डिस्काउंट, ठीक है। ऑनलाइन। तो अब वो असल में ये ब्रांड जब तक नहीं निकलेगा ना हमारे जहन से, सलमान भाई का कमेंट है, तो मैं उसमें वो यही कहना चाहूंगा कि देखिए जरूरी नहीं है कि हर ब्रांड ही बुरा हो, ये तो हम सब भी जानते हैं कि हर ब्रांड बुरा नहीं होता हाँ होगा, लेकिन बिल्कुल। यार तो हम सबको अंदाजा हो जाता है खुद ही प्राइस देख के, मतलब एक घड़ी ठीक है जितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, लेकिन अब उसके 5 लाख रुपए देना, तो मैं समझता हूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी को सोच। अच्छा, फिर सवाल जो जो मैंने उस दिन भी सेशन में बात की कि हमारे यहाँ मसला बहुत अमीर का नहीं है, मसला बहुत गरीब का भी नहीं है। बहुत अमीर को पता है कि वो जो चाहता है वो ले भी सकता है, वो बिकॉज ले उसके लेगा, पास रिसोर्स है। बिल्कुल सही, अब वो आखिरत में क्या होगा वो अल्लाह और वो जानते वो हैं, एक लेकिन अलग बात। दुनिया में ले सकता है। और बहुत गरीब को पता है कि मैं ले ही नहीं सकता, मसला ये सैलरीड पर्सन या मिडिल क्लास वाले का। ये सैलरीड पर्सन और मिडिल क्लास वाला जो है ना, ये बड़ा परेशान होता है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं मेजोरिटी कि हम उस अपर क्लास वाली चीजों को हासिल करें और हमारा बिल्कुल अपना फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता। और ये मैं बता रहा हूँ, मैंने भी थोड़े दिनों पहले सवाल पुट किया है बाकायदा अपने पेज पे कि आपके अगर अभी सारे इनकम के रास्ते बंद हो जाएं तो आप कितने महीने बगैर कर्जे के रह सकते हैं। तो लोगों का 15 दिन आ रहा है, 1 महीना आ रहा है, एक सिर्फ दो कमेंट्स थे, एक 1 साल का था और एक 5 साल का था, और उससे नीचे सब 1 महीना 2 महीने वाले थे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अगर आपकी ये फाइनेंशियल पोजिशन जगह पर है बिल्कुल। और आप ब्रांड्स के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। तो अच्छा, अच्छा, फिर मुझे बिल्कुल आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो मैंने जो इसका जो कुछ सीनियर लोग हैं उनसे जब डिस्कशन की और बुक्स बुक्स में पढ़ा, तो जो आप उसको और फर्दर ऐड कर जी सकते हैं कि मैंने जो पढ़ा कि आपके पास कम से कम 18 मंथ्स का बैकअप होना चाहिए कि अगर आप ये समझते कि अगर मेरे ये सारे इनकम के रास्ते बंद हो जाते, 18 महीने, 1.5 साल का कम से कम। उलमा इकराम की बात बता रहे, जी नहीं, ये मैं वेस्टर्न थॉट बता रहा हूँ, जी और उलमा वो भी इस इकराम तरह की जो मैंने सोचते हैं। सुनी है,
वो ये सुनिए कि जो है ना वो 6 महीने से 1 साल तक आप रख सकते हैं, इसकी इजाजत है करंट यानी जो आजकल का माशरा है उसके मुताबिक, क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस रेगुलर है ना, बिल्कुल हम वो सहाबा वाले अंदाज पे अब शायद रहना मुश्किल हो, क्योंकि महीने का बिल तो देना है ना बिजली का बिल्कुल के बिल्कुल इलेक्ट्रिक को, और जो है ना घर करंट भी देना है, तो बहुत बिल्कुल सारी चीजें देनी है, तो उसके लिए इतना तो। और आपसे सल्लम के बारे में ये बात मैंने सुनी अपने एक उस्ताद से कि जब फतुहात का दौर आया तो आपसे सल्लम घर में 1 साल का राशन भिजवा देते थे, सो दैट वाज अमेजिंग। यानी आपसे सल्लम जो एक तरफ ये भी बात कहते हैं कि मैं एक तरफ सलाम फेरू तो मुझे इसका नहीं पता कि मैं दूसरी तरफ फेर सकूं, एट द सेम टाइम आपसे सल्लम अपने घर वाले, क्योंकि इंसान मेंटली स्ट्रेस फ्री हो जाता है ना कि यार ये मसला खत्म, अब नाउ अगेन फोकस ऑन अदर थिंग्स। हाँ, सो असल में वो जो उमर भाई हम बात कर रहे थे ना कि आपकी ना मैपिंग मैपिंग हो आपको, मतलब मेंटली आपको ये इस चीज का एहसास हो कि ये जो मैं खर्चा करने जा रहा हूँ ये वाकई इसको मैं रोक सकता हूँ और ये ऐसा खर्चा है जो मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप मतलब मेंटली इसकी अवेयरनेस हो ना आपको, तो फिर आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप ये कह बिल्कुल सकते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसे ही होता है जैसे आप ही कराते हैं ना, तो मैं भी जब शुरू करता हूँ ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको कंजूसी के तरीके से सिखाएंगे वो कुछ वो, आप हम दोनों को देख के कहते हैं कि आपको वजीफा भी बता दें साथ में तो मैं कहता हूँ भाई हाँ, ये किताब ऐसा नहीं का तो एक है कमेंट आया है, वो हो सकता है कोई वजीफे का भी तो कोई असल अंगूठी जो अंगूठी मकसद है बता दे। कि तो असल मकसद ये कि आपकी जो है ना एक अवेयरनेस हो कि जो मैं खर्चे करता हूँ या मैं जो इनकम जो मेरे पास आती है, तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए आपको कि उसको आप मैनेज कर सके। अभी मसला ये कि आपने तो बिल्कुल सही कहा, और खासतौर पे हम सैलरीड वाले भी ये गलती करते हैं कि बस जैसे ही जॉब शुरू हुई कुछ हुआ तो हम फौरन ही बहुत ऊपर के ख्वाब बनाने लगते हैं कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए और मेरे पास ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, और इसी तगोदो में लगे रहते हैं और नहीं सोच रहे होते हैं कि जो है ना मुझे अपने एक्सपेंसेस को किस तरह मैनेज करना, और सिर्फ उस एक स्टेटस को हासिल करने के लिए हम बहुत आउट ऑफ द वे भी जाते हैं। अच्छा, इसी में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और जिसको हम एज अ पर्सनल फाइनेंस, डेफिनेटली आप मुझे सेकंड करेंगे इस बात पे, कि बहुत सारे लोग फिर कर्जों की तरफ चले जाते हैं या डेट की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल और कई अजीब डेट हैं जैसे क्रेडिट कार्ड का डेट है। आई आई कैन अंडरस्टैंड, मैं ज़ाहिर फाइनेंस में हूँ तो कई लोग उसकी काफ़ी वो भी तौजीहात भी देते हैं कि कई जगह बहुत ज़रूरत होती है और प्लास्टिक मनी ही चलती है, तो वो अपनी जगह, बट उसको भी मैनेज करने का एक तरीका, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेट ऐसा डेट है कि वो बहुत हाई, जो लोग उसमें फिर फंस जाते हैं तो आपने देखा इंटरेस्ट होगा रेट कि वो बहुत बिल्कुल एक बहुत बुरी तरह से जो है उसमें फंस जाते हैं। और मैं पहले एक सेशन में ये बात कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली ये एक इंसान का एक इस तरह का बना हुआ है कि आपने चाहे क्रेडिट कार्ड डेट हो या आपने किसी और से कर्ज लिया हो, आप साइकोलॉजिकली भी मेंटल आपकी वो पीस या वो फ्रीडम नहीं होता जो आपका एक बगैर डेट वाले आदमी को होता है, तो आप शायद सही। अपने फुल पोटेंशियल पे काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके यही चल रहा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट तो मुझे मुझे इतने कर्जा पैसे देना है, देने वो हैं, हमारे एक सर कर्जा कहते देने थे को। इसमें ना कि इंस्टॉलमेंट पे ली हुई गाड़ी वाला जब गाड़ी लेता है तो गाड़ी खड़ी रहती है, वो भाग रहा होता है उसकी इंस्टॉलमेंट भरने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता अच्छा, ये है, वो वजी ठीक भाई का एक कह सवाल लेना है हमें, क्योंकि हमने ना नल रहे के बहुत बंद कर लिए, एक्सपेंसिव पे बहुत हाँ बात कर ली, जरा दूसरी साइड भी ऑडियंस से जरा डिस्कस करते हैं कि भाई अब जरा ना इनकम बढ़ाने की भी कुछ बातों की तरफ आए कि जो है ना वो हाँ हम लोग। अच्छा, मैं भी इसको मैं थोड़ा सा यानी दोबारा से एक्सपेंसेस की बात करके फिर इस तरफ जरूर जाते हैं कि देखें जरूर हमें ये पहले समझना होगा इनकम बढ़ाने से पहले, मैं तो इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ रिलीजियसली कि मैं किसी को अगर पर्सनल फाइनेंस पे कोई बात बताऊं तो पहले उसे पूरा कॉन्सेप्ट बताऊं कि भाई देखो ये पैसा जो आप कमाओगे इसको सही जगह पे लगाना है, एंड देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अगर हम इसीलिए हमने पहले भी अभी इतना ग्राउंड बनाया, अगर हम इतनी बात नहीं करते तो दो नुकसान होते हैं, या तो आया हुआ पैसा जाया ही हो रहा होता है, या वो रिलीजियसली भी हम परेशानी में जाते हैं और पता नहीं फिर हम इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे होते हैं। तो वहीद भाई, बिल्कुल सर, यासिर भाई जरूर सॉरी, अब जो है ना जरूर इस साल को सामने रखते हुए आप जरा बताएं इस करंट सिचुएशन में कैसे कैसे इनकम बढ़ाई जा सकती है। हाँ। अच्छा, ये ना बहुत वजीनी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि सही है, हमने वाकई काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर्स के ऊपर बात कर ली कि कैसे कर्टेल करना है और क्या करना है, क्या आप एंगल्स कर सकते हैं। अच्छा, अब इनकम इंक्रीज की जो बात थी ना,
उसमें हमने एक बात तो हमने डिस्कस की थी कि वो आप इनकम इंक्रीज जब करेंगे वो कैसे करेंगे, कि जाहिर है जब आप अपनी वैल्यू एडिशन ठीक देंगे है, वो किसी एक को, शुरू में हमने ठीक है, बात वो की। एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि आप जो स्किल्स अपने इनहेंस कर लें या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर आप कोई इनोवेशन करें, तो फिर आप जो है एक डेफिनेटली उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हैं, तो वो आपका एक इनकम इंक्रीज का एक एवेन्यू। अच्छा, दूसरा आप इनकम इंक्रीज के एवेन्यू आप जो है हम उसको ये कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, जिस वक्त आप जाहिर है जब अपनी स्पेंडिंग के ऊपर आप कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद आपको आ जाएगी कि स्पेंड करनी है, खुशी जो हासिल करते हैं आप स्पेंडिंग कर। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें हम यही सजेस्ट करते हैं लोगों को कि जो है ना आप अपने जब से आप मैपिंग पूरी कर लेंगे स्पेंडिंग की, तो आप उसके बाद अपने एक्सपेंसेस का एक परसेंटेज इस तरह से बना लें कि 1% आपने ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ, उसको आप ठीक चाहे है, उसके लिए कुछ स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज करें, कोई वैल्यू एडिशन कोर्सेज करें, कोई नया आपने कोई चीज सीखनी है तो आप कुछ ना कुछ रखें। अच्छा, हम मैं तो स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि एक हम वैसे थ्रेशोल्ड रखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि चले 10% आप रख लें, लेकिन स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप स्टार्ट करें तो 1% स्टार्ट करें, अपनी पॉकेट मनी से ही बेशक करें, लेकिन कुछ ना कुछ आप सेविंग इस मद में करें कि आपने अपने अपने स्किल्स को एनहेंस करना है। दूसरी सेविंग जो है वो ये आप ये करेंगे कि आप इसी तरह 1% बनाएं, और ये हर एक की जाहिर इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी कर सकता है, तो वो आप ये करें कि आप उस सेविंग को फिर किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट करें। अब हमारे पास अब फॉर्चुनेटली या ये कह लें कि अब इस तरह के एवेन्यूज बन गए हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जा सकते हैं जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, आपके पास और ऑप्शंस होते हैं, कमोडिटीज के ऑप्शन होते हैं, गोल्ड आप ले सकते हैं, फॉरेन करेंसी में थोड़ा सा आजकल रिस्क एलिमेंट जो डॉलर के साथ है अगर उसको आप अभी इग्नोर कर दें, इस वक्त मेरे ख्याल में उलमा हमारे मना करते हैं कि अभी आप डॉलर्स में इन्वेस्ट ना करें कि वो अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा ही इस वक्त तेजी से बढ़ रहा है, बट ये कि तो इस तरह के एवेन्यूज को आप सोचें जिसमें डेफिनेटली फिर हमारे जैसे फाइनेंस मैनेजर्स काम आते। तो मैं यहाँ एडवाइस तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचें, और आप जो है ना हम इंशाल्लाह कोविड की सिचुएशन से निकलें तो अपनी जब इनकम एक्सपेंडिचर को आप मैपिंग करें तो इस पोर्शन एक इन्वेस्टमेंट पोर्शन के लिए जो कि अल्टीमेटली आपको एंड पे बेनिफिट दे, उसके लिए भी अभी से जो है सोचना शुरू कर दें, और वो अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो फिर प्रॉपरली किसी फाइनेंस के आदमी से उसकी गाइडेंस भी लें कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है क्या नहीं। तो ये कुछ मेरे जहन में कुछ एवेन्यूज हैं जो कि इनकम बढ़ाने के हैं, कुछ आप और ऐड करना चाहें इसमें तो। हाँ, मैं तो इसमें इसमें देखें, जो इन्वेस्टमेंट है उसको सामने रखते हुए मेरे ध्यान में तो ये, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर अभी 1 मिलियन से नीचे की अमाउंट है या रेगुलर बेसिस पे सेविंग करनी है, सबसे पहले तो करेंसी चेंज कर लें या उसको वही गोल्ड में डिफरेंस कर लें। उसकी वजह ये होगी कि कम से कम खर्च नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो पीकेआर में हुए ना, पाकिस्तानी रुपीज में, तो फिर बिल्कुल। तो फिर तो वो खर्च हो फॉरेन पर जाएंगे जाए। फिर। अच्छा, तो आप सब अच्छा, अब आप ये मत सोचें भले कि उसका रेट बढ़े या ना बढ़े, रेट बढ़ना इट्स अनदर फैक्टर, लेकिन एटलीस्ट वो सेव हो जाए, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरा, लोग जो एक बहुत मैंने देखा एक बेवकूफी कर रहे होते हैं, वो हाई प्राइस चीजों में ही इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। अच्छा, वो सिंपल सी मैथ है, एक शेयर अगर लेट सपोज एक शेयर 100 रुपए का है और वो 110 का हो जाता है, तो 20% इंक्रीज हुआ, यानी आप उस पर 1 लाख, 10 लाख लगाते हो तो 12 लाख हो जाते हैं। और एक शेयर जो 50 रुपए का है वो अगर जो है वो सॉरी 100 वाला 110 का अगर हो जाए तो 10% बढ़ा, 10% और 50 वाला अगर 70 रुपए का हुआ तो 40% बढ़ा, ऐसा ही। बिल्कुल। तो अगर मैंने 50 वाला शेयर लिया जो कि बजाय कम प्राइस का लग रहा है, लेकिन उसमें मैंने अगर 10 लाख लगाया तो वो 14 लाख हो जाएगा, और 100 वाले में 10 लाख लगाए जो जो बजाय 110 का हुआ, लेकिन उसपे अच्छा। अब इसको और हर चीज में ले जाए, आप रियल इस्टेट में आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो लोग हमेशा वो एक हाई प्राइस चीज की तरफ ही जा रहे होते हैं, लग्जरी, यानी वो इन्वेस्टमेंट में भी लग्जरी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन हाँ उसको मेंटेन बिल्कुल। करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। वो एंथनी रॉबिन्स कहता है ना कि उसका फिजी में एक रिजॉर्ट है, वो कह रहा है उस रिजॉर्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि जो है ना, मैं उसमें साल में 2-3 दफा विजिट करता हूँ, अगर मैं किसी और के जो है ना वो रिजॉर्ट पे विजिट करता तो शायद मुझे बहुत सस्ता पड़ता, तो मैं सस्ता उसे पड़ता फजूल में ओन करके बैठा। सो इस किस्म की
जो है ना वो इन्वेस्टमेंट में भी गलतियां हो जाती हैं। और मुझे लगता है जो हाँ लग्जरी माइंडसेट से आ रहे होते हैं ना लोग अपने एक्सपेंसेस में, वो इन्वेस्टमेंट में भी फिर यही सोच रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और असल में क्या जो होता है वहां कि पे लोगों की थोड़ा, ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम फर्स्ट अप्रोच ये होती है इवन इन्वेस्टमेंट में भी कि ना, मतलब मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मैं वो हाई वैल्यू वाला शेयर ले लूं या उस कंपनी का शेयर ले लूं जिसकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत हाई चल रही है, तो वो भी शायद लोग उसको ना एक एस्टीम पॉइंट ऑफ व्यू से या उससे कर लेते हैं कि मेरे पास फलानी कंपनी के जी शेयर्स हैं इतने, वो होता है ना, उससे वो तो लिंक कर हमारे यहाँ लेते है कि वो मैं बीमार भी हूँ तो चेक इन आगा खान से करना है हैं। मुझे तो कहीं कहीं वो वाली मेंटेलिटी, यार छोटी कंपनी का शेयर ले लिया लोग क्या बोलेंगे। हाँ शायद तो वो इस ये किस्म की जो है है। ना वो, ये शायद हो। अच्छा उसके बनिस्बत अगर आप शेयर मार्केट को भी छोड़ें, आपको लोग बहुत मिलेंगे। मैं तो नैनो लेवल पे बहुत ज्यादा लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। नैनो कह रहा हूँ मैं उसको, माइक्रो से भी नीचे। तो मुझे 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 मिल जाते हैं लोग, और अल्लाह का शुक्र है काबिल एतमाद लोग ही मिल जाते हैं। तो हमारे जानने वाले वो बकरीद के लिए कुछ गायें वगैरह ले रहे थे, तो उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा ठीक है आप एक गाय लेना चाहें ले लें। अब वो 60-70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इट्स, और वो 2-3 महीने की रोलिंग के बाद वो आपको कुछ अमाउंट ऊपर दे जाएगी। कुछ ना कुछ अब ये इतनी छोटी छोटी एवेन्यूज पॉसिबल है, मिल जाते हैं, बशर्त ये कि हमें थोड़ा सा उसको देखना होता है। मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन वही बात है कि हम जो है ना उसको, हमारे यहाँ ना लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं। वही भाई मैंने ये देखा, वो एक बुक में भी मैंने पढ़ा था, वो मेंटेलिटी मैंने पाकिस्तान में बहुत देखी कि अगर आपको ना नाजमाबाद से जाना होगा ना सी व्यू, तो आप बोलेंगे सारे सिग्नल ग्रीन कर दें फिर गाड़ी स्टार्ट करो। भाई नहीं हाँ होता ना ऐसा, किसी एक को नुकसान हुआ होगा किसी इन्वेस्टमेंट में, जरूरी थोड़ी है कि हम बिल्कुल एक्सीडेंट होते हैं ना लोगों के, इसका मतलब ये थोड़ी हम मरेंगे। अगर ऐसा होता तो कोई गाड़ी ना निकाले, एयर क्रैश भी अच्छा, होते हैं लेकिन क्या ये लोग कार में जो जा उमर रहे भाई हैं। आपने आपने लॉस वाली बात की ना, ये फिर मुझे वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला वो कॉन्सेप्ट याद आ जी जी गया, और आप भी उस पे और ऐड कीजिएगा, वो अफोर्डेबल लॉस वाला जो हम शुरू में ही जी जी करते हैं कि ये भी एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोग जब बिजनेस में आते हैं कि क्या करेंगे कि जैसे एकदम से सारे पैसे लगाती है उसके अंदर, तो आपको एडवाइस यही करते हैं कि जो है आप एक अपना एक थ्रेशोल्ड बनाए कि ये वो पोर्शन है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं इसको लॉस भी हो गया तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, यानी ये समझे मैं आपने कि बर्दाश्त कुछ कर लूंगा एक्स्ट्रा। हाँ बिल्कुल, आप और बिल्कुल। थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिए अच्छा अफोर्डेबल लॉस बिल्कुल पे। ये है। और इसमें जैसे वो शाहिद साहब ने हमें सिखाया था ना कि भाई 20% पे खेलो और 80% बैक पे रखो। अच्छा मैं उसमें आपको बड़ी जबरदस्त एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो लोग अभी कर सकते हैं। अगर 2-3 मिलियन के अंदर कोई कर रहा है ना, यानी अगर आपके पास इतना इतना अमाउंट है, 20-25 लाख एक दफा है, तो आप उस पूरे पे रिस्क ना ले। उस पर आप रिस्क यू लें कि आप ना कोई अपार्टमेंट छोटा मोटा कहीं तो मिल जाएगा आपको कराची में, नहीं मिले तो मेरा नंबर है, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा विदाउट एनी फी। तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, रिस्क फैक्टर आपका अपना होगा। अच्छा, उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी तो कहीं नहीं जाती, तो आप अपना मेन पैसा वहां रखें और उससे बहुत माइनर सा कुछ आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो एक तो चीज आपकी सेव होगा, उस माइनर रिवॉर्ड को आप फिर जहां चाहे जो है ना वहां इन्वेस्ट करते रहे। अगर आप रिस्क, यानी इन शॉर्ट इसको एक रखें रिवॉल्विंग कैपिटल, और एक रखें वो कैपिटल जो फिक्स हो, यानी जो रियल एस्टेट की फॉर्म में हो या कहीं और हो। क्योंकि अगर आपने सारा कैपिटल रिवॉल्विंग रखा ना, तो उसमें फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्केट कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं, यानी कभी भी चेंज हो सकती है, आप फंस जाएंगे। जैसे बिल्कुल ये कोविड की सिचुएशन में हाँ जिन बिल्कुल लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट रिवॉल्विंग कैपिटल में थी, वो तो फंस गया ना, मार्केट रुक गई, बिल्कुल वो पैसा फंस बिल्कुल गया या वैल्यू डाउन हो गई, तो इट्स बिग, दे आर इन बिग क्राइसिस। तो अच्छा, उसकी इसमें एक बनिस्बत वो लोग मैं जो, ऐड करूं, इसमें एक इंटरेस्टिंग टिप जो जी आपने जी अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की ना, तो ये प्रॉपर्टी वाली इन्वेस्टमेंट में एक एक इन्वेस्टमेंट जो जो कि आप तो बड़ी अच्छी कर सकते हैं इंटरेस्टिंग, वो ये कि जैसे आपने मेंशन किया कि आप मतलब आपने रेंटल अपार्टमेंट वगैरह कुछ ले लिया, ओनरशिप ले ली सही और आपने रेंट रेंट पे दे दिया, तो उसमें आपको बेनिफिट ये है कि देखिए आपका एसेट सेव रहेगा अपने जगह पे, और रिटर्न मतलब भी जो आ रहा है। एसेट है जाहिर है वो आपके पास सिर्फ, और रिटर्न आपको मिलता है अगर आपको एक मंथली इनकम रेंट की फॉर्म में मिलती रहेगी, और अच्छी बात ये होती है कि रेंटल्स जो है ना वो बढ़ते रहते हैं जाहिर इन्फ्लेशन के साथ साथ, तो आपका जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट जो आपको हिट करना होता है वो आप सॉर्ट ऑफ वहां से समझे कवर कर लेते हैं उसके अगेंस्ट,
ये एक अच्छी पर्सनल फाइनेंस की एक हेजिंग स्ट्रेटेजी होती है कि आप इस तरह से ये करते जो मैंने भी आपको मिसाल दी ना, ये अभी हुआ था, किसी को मैं कोच कर रहा था, तो अब उनको उनको यही इश्यू आ रहा था। तो अब उनके पास इतना अमाउंट था और कहीं पे उनको ना जमीन मिल रही थी, प्लॉट वगैरह, तो वो 15-16 लाख का था, और जिसमें उनको उम्मीद थी कि 30 तक चला जाएगा, लेकिन 3 साल बाद जाएगा। तो मैंने कहा 3 साल तक आप पैसे वहां फंसा के बैठे रहे, उन्हें तो वैसे इंस्टॉलमेंट में चाहिए पैसे, तो वाई नॉट आप इधर एक अपार्टमेंट लें, ये कर और अपार्टमेंट आपका अभी फिक्स हो जाएगा, 3 साल में अपार्टमेंट भी वैल्यू बढ़ाएगा, और जो रेंट आ रहा है उस रेंट को वहां कुछ भरते ना, कुछ पैसे आप और जमा करते ना, तो 3 साल बाद आप एक के बजाय दो प्रॉपर्टीज लेके बैठे होंगे। और अगर अल्लाह ना करे प्लॉट में आपको कुछ ऊपर नीचे होता भी है, तो आपका एक साइड पे तो कैपिटल सेफ देख है। रहे हैं तो खासतौर पे वो लोग जो जो फर्स्ट टाइम इस चीज में आ रहे हैं, उनको तो ये अफोर्डेबल लॉस का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अफोर्डेबल लॉस क्या होता है भाई? वो ये होता है कि कितना नुकसान मैं सहूलत से बर्दाश्त कर सकता हूँ जिसके बगैर, यानी जिस नुकसान के होने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जिंदगी चलती रहेगी। अच्छा, शुरू में बिल्कुल अफोर्डेबल लॉस हर इंसान का कम होता है, फिर जब इस बिजनेस आप थोड़ा क्या नाम है रिस्क लेते हैं, अफोर्डेबल लॉस कम होता है, थोड़ा रिस्क लेते हैं आप, उसमें अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो आपके पास ज्यादा पैसे आते हैं, फिर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और यूं आहिस्ता आहिस्ता आपके अफोर्डेबल लॉस का अमाउंट बढ़ता रहता है। तो फिर मियां मनशा का अफोर्डेबल लॉस बहुत बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात और जब आप फर्स्ट टाइम काम करते होंगे तो आपका अफोर्डेबल लॉस कम होगा, लेकिन अफोर्डेबल लॉस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है, जिसको मैं वही कंक्लूड करूंगा कि हर बिजनेस, हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और हर पर्सनल फाइनेंस वाले को 3 बातें याद रखनी चाहिए, सस्टेन, स्टेबल, देन स्केल। तो सस्टेनेबल होंगे, अफोर्डेबल लॉस को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करते जाएंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह। तो अपना उमर भाई, इसी से लिंक जो आपने जैसे बात की ना, तो हमने जी इसमें जी यही डिस्कस किया है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें और ये करें, तो वो मुझे एक बात याद आ गई, मैंने पहले भी एक दफा जिक्र की थी कि ना दो चीजें हैं जो कि ना आप या तो जाया कर देते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक ठीक तो मनी है, या तो आप उसको जाया कर देंगे स्पेंड करके, ठीक है, या आप उसको इन्वेस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं किसी जगह पे, जैसे हमने बात की कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक है टाइम, और टाइम की भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन है कि सही या तो अगर आप उसको किसी सही यूटिलाइजेशन कर लेंगे उस वक्त की, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। और अगर इस तरह जैसे अक्सर सुनने में आ रहा है कि अगर जाया कर देंगे सारा सारा दिन बगैर कुछ किए, और इस सिचुएशन में भी जो ये मौका मिल गया सबको, तो आपका जाया हो जाएगा ये वक्त, ये भी या तो इन्वेस्ट होगा या स्पेंड हो जाएगा, और बैड स्पेंड हो जाएगा इनफैक्ट ये। सही अच्छा वहीद भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमारे दोस्तों को आपसे रابطہ करना हो तो क्या आप अवेलेबल होंगे? तो उसमें मैं क्या करूं, आपके पेज का लिंक शेयर कर दूं साथ जी साथ? आप, हाँ, इधर अगर कमेंट्स में काइंडली मेरा पेज का लिंक शेयर कर दें। और मैं ठीक है आजकल जो है, क्योंकि इस कोविड सिचुएशन में हाफ एन आवर के सेशंस भी लोगों को कोचिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्टिफाइड कोच भी हूँ, तो जो कोई अगर ठीक है इंटरेस्टेड हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कोविड सिचुएशन के, तो हाफ एन आवर के कोचिंग सेशंस हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो, आप अगर मेरा काइंडली यहाँ पेज शेयर कर देंगे, तो वो लोग उस पर मुझे ठीक कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी अगर आप मेंशन करते हैं, तो उस पर मैं ईमेल भी मेंशन मुझे कर कर देता हूँ सकता है दोनों चीजें जरूर। कमेंट में, तो मैं उसमें, इंशाल्लाह। हाँ, तो अगर मुझे एक मैसेजेस थोड़े ज़्यादा है, तो मैं उसके फिर प्रॉपर थोड़ा गूगल फॉर्म वगैरह बना दूंगा, तो अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक फाइनेंस के अलावा भी अगर कोई कुछ डिस्कशन करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं उसमें। अच्छा, थोड़ा सा कोचिंग का इंट्रोडक्शन दे दें कि ये कोचिंग होती क्या है, ताकि ऑडियंस को, हमारे लोगों को ये भी समझ आ जाए हाँ कि जरूर बेसिकली उस आधे घंटे में होगा क्या, या कोचिंग में जरूर क्या होता है। जरूर। अच्छा, कोचिंग का मैं ना आपको वही एग्जांपल दूंगा जो मेरे मेंटोर ने मुझे कोचिंग का समझाया था कि कोचिंग होता क्या है। तो ये बड़ा मजेदार है, आपको इंशाल्लाह सब मजा आएगा इसका, आप शायद आपने पढ़ा हुआ भी हो। जी जी तो कोचिंग ऐसे है कि आप ये इमेजिन करें या एक सिनेरियो जेन में बनाएं कि एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है बाहर अपने गार्डन में या उसमें, और वो अचानक देखता है कि एक दूर से एक एक खूबसूरत सा जो है घोड़ा जो है वो चलता हुआ आ रहा है, एक खूबसूरत सा हॉर्स आके उसके पास खड़ा हो गया आके उसके गार्डन। तो ये परेशान हो जाता है कि ये किसका हॉर्स है, कहाँ से आ गया है, और
अच्छा अच्छी नस्ल का लग रहा है इसका मतलब, किसी का जो है किसी ने इसके ऊपर पैसा वैसा भी लगाया हुआ है। तो ये आसपास पूछता है आदमी इसको, इधर उधर लोगों से तो नहीं मिलता, तो लोग कहते हैं कि भाई इतना अच्छा तुम्हें तोहफा मिला अल्लाह ताला की तरफ से, ये रख लो तुम। उसने कहा नहीं, मुझे इसको इसकी जो है ना मालिक के पास पहुंचाना है, मैं तो मुझे इसको ढूंढना है कि ये कहाँ से आया है। तो कहते भाई ये तो आसपास कोई भी नहीं है, तुम कैसे ढूंढोगे? कहते मैं करता हूँ कुछ। तो वो क्या करता है कि उस घोड़े को अपने गार्डन से लेके जाता है और सड़क की तरफ लाके उस पर बैठ जाता है और उसको चला देता है सड़क। अब वो घोड़ा चलता चलता आगे जाता है, थोड़ी देर बाद फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर डिस्ट्रैक्ट होके देखता है आसपास कोई घास फूस नजर आते हैं, कोई जानवर नजर आते हैं, ये उसकी तरफ चलता है, ये उसको वहां जाने देता है। उसके बाद दोबारा उसको उसको रस्सी से खींचता है उसकी, और फिर उसको ले आता है सड़क के ऊपर। और इस तरह करते करते देखता है कि घोड़ा जो है एक और बस्ती में या एक और टाउन में जो है ये एंटर हो जाता है, और वहां आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते एक घर के पास बाहर आके ना खड़ा हो जाता है। अब जब घर पे आके खड़ा हो जाता है तो उससे एक आदमी निकल के आता है और उस दूसरे आदमी को कहता है कि तो आपने कमाल कर दिया, मेरा घोड़ा गुमा हुआ था और आपने ढूंढ दिया और मुझे लाके दे दिया, तो आपको शुक्रिया, और आपने आपको ये मिला पता कैसे चला कि ये मेरा घोड़ा है? तो वो शख्स कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, इस घोड़े ने खुद रास्ता ढूंढा। तो उसने कहा खुद कैसे ढूंढ लिया? कह रहा है कुछ भी नहीं, मैं तो इस घोड़े को सिर्फ जब ये अपने रास्ते से हटता था तो मैं इसको जो है थोड़ा सा पुचकार के, थोड़ा समझा के मैं इसको वापस रास्ते पर डाल देता था, और ये करते करते आपके पास खुद अपनी मंजिल पे पहुंच गया। तो ये एनालॉजी जो बनाई या जो एग्जाम्पल दिया उसकी लॉजिक ये कोचिंग के साथ बिल्कुल मैच करती है। अब कोच का काम भी यही होता है कि एक शख्स जो है वो अपने पोटेंशियल को, अपने अपनी जो सलाहियतें हैं उसको जो है वो नहीं समझ पा रहा होता अपनी जात पे जब तक वो गौर कर रहा होता है, खुद से जब कर रहा होता है। कोच का काम ये होता है कि वो उस शख्स के साथ वक्त लगाता है और उसको उसकी सलाहियतें जो है वो निखारने पे और उसको बाहर निकालने में एक उसकी सपोर्ट करता है। और आप बिल्कुल जैसे वो उस घोड़े वाला एग्जाम्पल है कि उसको एक एक डायरेक्शन देता है। और ये स्टार्ट कैसे होता है कि एक कोची है या जो कोचिंग करना चाहता है वो बताता है कि मेरा गोल क्या है, मेरे लाइफ में गोल मेरे क्या है। तो कोच उसके साथ जो है टाइम स्पेंड करता है और उसके साथ उसके पोटेंशियल्स को पहले आइडेंटिफाई करता है कि ये पोटेंशियल्स कैसे हैं, जो गोल ये कह रहा है ये उसके लिए उसको अचीव करने के लिए काफी है नहीं है। तो वो फिर उसके साथ बैठ के उसका एक रोड मैप बनाता है कि जो है आपको ये आपको स्किल्स फर्दर चाहिए इस अचीवमेंट के लिए, आप कर सकते हैं। और एक सॉर्ट ऑफ एक मेंटरशिप का और एक सपोर्ट रोल जो है वो पूरा वक्त उसके साथ प्ले करता है टूवर्ड्स हिज सक्सेस। अब वो कैरियर सक्सेस भी हो सकती है, वो पर्सनल लाइफ सक्सेस भी हो सकती है। तो ये एक कोच का रोल है। मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो जैसे आपने बात की जो वो पैशन वाला काम होता है कि उसमें थकता नहीं आदमी, तो मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे इससे ये फीडबैक मिलता है, या अक्सर जो जिन लोगों से फीडबैक मिलता है कि उनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आया इस कोचिंग की वजह से, सही डिस्कशंस की वजह से। तो इसलिए मुझे ये काम पसंद है कि मैं अगर मेरी जात से किसी को जो है कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए उसकी लाइफ में, कुछ उसके मामला सुलझ जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस कोचिंग के फील्ड को बुक किया था। और ये इसका छोटा सा एक बैकग्राउंड है कोचिंग का। सही। तो हम जरा अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड कर लेते हैं कि हम जरूर लोगों का बेसिकली सेशन को करने का मकसद ये था कि जो करंट सिचुएशन है उसमें, क्योंकि एक समझे कि एक टेस्ट हो गया हम सबका, एक एक्सरे सामने आ गया कि हम फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा सामने रखते हुए मुझे लगता है यासिर भाई ये बहुत जबरदस्त और डिटेल टॉपिक है। अभी तो दो मॉड्यूल ही डिस्कस बिल्कुल एक्सपेंसेस का और जो है ना वो इन्वेस्टमेंट का, तो हम मुझे लगता है कि दोबारा अनकरीब जरूर हमें एक और सेशन जरूर अगर आप बोलते हैं तो हम जो है ना वो लोगों के सवालात भी और ज्यादा ले सकेंगे और जो है ना उसको लोगों के साथ शेयर भी करते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है हमें ना बहुत ज्यादा, मुझ समेत हम सबको बहुत ज्यादा इस टॉपिक को या इस चीज को जो है ना वो समझने की जरूरत है। तो यासिर भाई आप जो भी क्लोजिंग नोट देना चाहें, जो पैगाम देना चाहें। बस इस मौके पे तो क्लोजिंग नोट यही देता हूँ सबको कि एक तो ये कि इस वक्त आप जो है इस सिचुएशन से घबराएं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आगे अच्छा वक्त लेके आएगा। तो लेकिन
इस सिचुएशन में जो आपके पास वक्त है, वो जैसे मैंने कहा या तो वो इन्वेस्ट होता है या स्पेंड हो जाएगा, बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, तो उसको ज़ाया करने के बजाय इस वक्त अपने स्किल्स एनहेंसमेंट पे, इन चीज़ों पे आप काम करें। हम जैसे लोग इस वक्त जो है ना, आपको चले हम हमसे नहीं तो कोई और आपको, कोई जो बड़े ट्रेनर्स हैं या बड़े इस वक्त फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस वक्त सब अवेलेबल हैं, सभी लॉकडाउन के सिचुएशन में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको टाइम देने से इस वक्त इनकार करेगा। तो जरूर कोशिश करें, अगर आपको कोई लगता है कि कोई पोटेंशियल है, कोई आइडिया है जेन में, अगर और कोई आपको इसके ऊपर अच्छा मशवरा दे सकता है, तो जरूर उसको कांटेक्ट करें, चाहे लिंक्डइन के थ्रू करें, फेसबुक के थ्रू करें, पर्सनल जानते हैं किसी लिंक के थ्रू तो उससे करें। लेकिन ये वक्त वो है कि इस वक्त जो हमने पहले जैसे डिस्कस किया था कि जो अपने नर्व्स को मजबूत रखते हुए अपनी अपनी प्लानिंग कर लेगा, अपने स्किल्स पे वर्क कर लेगा, और कोई इनोवेटिव काम की तरफ अगर अपना जहन लगा लेगा, तो डेफिनेटली वो इंशाल्लाह सरवाइव कर जाएगा आगे के वक्त को। सही। और मुझे लगता है कि मेरा तो ज़ाती एक्सपीरियंस रह ये रहा है 10-12 सालों से, कि मैंने जिसे भी अप्रोच किया है लोगों ने टाइम दिया, चाहे वो जितने भी बिल्कुल बड़े पौधे पर हों, बिल्कुल समझे 90% से ज़्यादा लोगों ने हमेशा टाइम दिया है, रिगार्डलेस कि आप कोई भी हैं, अगर आपका एडवाइस चाहिए, लोग फ़ोन पे, ईमेल, उनके बिल्कुल शेड्यूल का मसला हो सकता है, लेकिन वो टाइम ज़रूर देते हैं। अच्छा जनाब, तो वहीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला बहुत और आप शुक्रिया। जैसे एक्सपर्ट आदमी के इनसाइट्स हमें मिल गई और कुछ ऑडियंस को भी चीजें मिल गई, क्योंकि ज्यादातर यही कमेंट्स हैं नीचे के जो है ना, गया ये सेशन बाद में भी मिलेगा, तो इनशाला ये अपलोड हो जाएगा खुद ही जैसे अब हम भी सेशन को एंड इंशाल्लाह करेंगे। और मेरी ख्वाहिश है और कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वहीद भाई जैसे और लोगों को भी पेज पे इन्वॉल्व करता रहूँ, तो इनशाला हम लोग परसों भी एक सेशन कर रहे हैं 8 से 9 वकार के साथ, फ्रीलांसिंग पे, जो स्कूल ऑफ लीडरशिप के सीईओ हैं, तो हमने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की कि भाई कुछ बताएं लोगों को कि इस दौरान फ्रीलांसिंग में क्या कुछ किया जा सकता है, और फिर इंशाल्लाह और लोगों को भी इंगेज करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई भाई, थैंक जजाक यू सो अल्लाह मच, खैर, जजाक अल्लाह, आपका भी, सबको अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम।